हेलो फ्रेंड्स क्लास इलेवेंथ आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर सिक्स यानी कि लिस्ट मैनिपुलेशन को लेकर के दोस्तों लिस्ट आखिर होती क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और फिर हम लोग उसके ऊपर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि लिस्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर आप अपनी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का नाम मुझे देना चाह रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको कहीं डेटा स्टोर करना है जैसे अगर एक स्टूडेंट का नाम रखना है आपको कहीं पे स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे एक वेरिएबल बना लेंगे जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं मुझे यहां पर स्टोर करना है किसी का नाम और नाम था रवि तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बना दूंगा नेम ठीक है अगर मुझे किसी स्टूडेंट का नाम के साथ साथ दोस्तों मैं चाहता हूं उसकी एज भी स्टोर करनी है तो मैं क्या कर दूंगा एक अलग से वेरिएबल बना दूंगा जिसका नाम रख दूंगा एज और इसमें सपोज अपन ने स्टोर कर लिया है सेवनटीन इसी टाइप से अगर आपको कुछ और भी डेटा स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं लेकिन दोस्तों जनरली अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास कलेक्शन है मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम आपको स्टोर करना है मल्टीपल एज स्टोर करनी है मल्टीपल डे स्टोर करने मल्टीपल डेट्स स्टोर करनी है जैसे कि मैं यहां पर स्टोर करना चाहता हूं कोई महीने की डेट है एक तीन पांच सात नौ दस ग्यारह बारह अठारह बाईस ये अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक लिस्ट बना दूंगा अगर आप इसको एक एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो आप क्या रखेंगे डे वन डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव डे सिक्स डे सेवन डे एट डे नाइन डे टेन ऐसे दस अलग अलग वेरिएबल्स आपको बनानी पड़ेंगी इससे अच्छा है आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं लिस्ट लिस्ट बना सकते हैं लिस्ट जो है इसको लेकर के अगर अपन बात करें तो यहाँ लिस्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो लिस्ट के ऊपर अपने पास कुछ इंडेक्सेस भी बनते हैं जैसे फर्स्ट इंडेक्स जो अपने पास होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ये इसका जो इंडेक्स है वो आपके पास क्या हो जाएगा जीरो इसी तरीके से बाद वाले का हो जाएगा वन उसके बाद वाले का है टू उसके बाद वाले का है थ्री उसके बाद वाले का है फोर ऐसे ही फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चलता जाएगा और अगर अपन चाहें तो यहां पर मतलब कह सकते हैं कि लिस्ट में भी स्ट्रिंग में भी और साथ साथ टपल में भी अपने पास दो इंडेक्सेस होते हैं एक फॉरवर्ड भी होता तो है और एक बैकवर्ड भी होता है मतलब एक इंडेक्स आपका ऐसे आगे की तरफ जाता है जबकि दूसरा आपका ऐसे पीछे भी आता है तो जो आपके पास में बैकवर्ड वाला है उसमें सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग माइनस वन इसके बाद वाले को बोलते हैं माइनस टू इससे इधर वाले को माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस सिक्स ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आप यहां से जीरो से शुरू करके आगे जा सकते हैं और वहां से आप वापस पीछे भी आ सकते हैं मैं एज्यूम करता हूं मैंने एक लिस्ट बनाई है तो मैं लिखता हूं एल इक्वल्स टू और यहां पर मैं कुल मिला के छह वैल्यू डाल रहा हूं जैसे कि मैंने यहां पर स्टोर किया है 12 मैंने स्टोर किया है 18 मैंने स्टोर किया है 105 मैंने स्टोर किया है 9 और मैं स्टोर कर देता हूं 6. तो टोटल तो मैंने यहाँ पर दो दो चार पांच और एक और वैल्यू ले लेता ले हूं ठीक है तो मैं कर देता हूं सिक्स और यहाँ कर देता हूं मैं नाइनटीन इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बना दी तो इस लिस्ट में मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर स्टोर करूंगा जो वैल्यूज वो कुछ इस टाइप से होगी कि आप यहाँ पर स्टोर करेंगे ट्वेल्व यहाँ पर आप स्टोर करेंगे एटीन यहाँ पर करेंगे वन जीरो फाइव यहां पर करेंगे नाइन यहां, यहां करेंगे सिक्स और यहां करेंगे नाइनटीन इस तरीके से आपकी एक लिस्ट बन जाएगी और इस लिस्ट का नाम आप जो भी रखना चाहें क्योंकि मैंने यहां पर नाम क्या रखा था एल तो इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना दी लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका आपके पास ये रहा एल लिखिए उसके यहाँ कोई भी लिस्ट का नाम लिखे इक्वल्स टू करें ब्रैकेट लगाए आप स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं इसमें मैंने सब नंबर लिए हैं आप नंबर के अलावा चाहें तो दूसरे टाइप के डेटा को भी यहाँ स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल टाइप्स भी हो सकते हैं आप इंटीजर भी स्टोर करना चाहते हैं तो एक ही साथ इंटीजर फ्लोट या स्ट्रिंग इस टाइप से मल्टीपल भी आप यहाँ टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं खैर इस लिस्ट को अगर अपन बात करें तो इसको एक्सेस करने के लिए भी अपने पास कुछ तरीके हैं जैसे कि मैं यहाँ पर जाके लिखता हूं प्रिंट और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ प्रिंट क्या करना है एल अगर आप दोस्तों खाली एल लिखेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू लाइक इस ब्रैकेट में ट्वेल्व एटीन ऐसे आपको डिस्प्ले कर देगा और अगर आप ऐसा ब्रैकेट बना के इसमें जाके लिखेंगे थ्री और वापस आप ये ब्रैकेट बंद करते हैं इस ब्रैकेट का मतलब है आपके पास में आप यहां बता रहे हैं उसका इंडेक्स तो दोस्तों इंडेक्स नंबर थ्री जो है आपके पास ये वाला है इसको अपन यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर वैल्यू क्या देगा आपको नाइन लेकिन अगर आप यहाँ जाकर के लिखते हैं सपोज की प्रिंट और आप लिखते हैं एल ऑफ सपोज की वन ठीक है तो वन पे आपको क्या आंसर मिलेगा ये जो है आपके पास वन आपको क्या देगा एटीन और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जाके लिख देते हैं सपोज की प्रिंट और आप यहाँ जाके लिख देते हैं प्रिंट के अंदर एल और एल के अंदर माइनस वन लिखते हैं तो दोस्तों माइनस वन ये वाला है ठीक है इसलिए माइनस वन की वैल्यू क्या है आपके पास में 19 तो आप यहां पर इंडेक्सेस के बेस पर आप वहां से डेटा को भी ले सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि यहां से यहां तक का डेटा चाहिए तो आप स्लाइस बना सकते हैं इसी टाइप से आपको अगर इस लिस्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो एक और वेरिएबल बना सकते हैं जैसे कि आप ये लिख सकते हैं एल टूल्स टू एल तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी आप इस लिस्ट पे ऑपरेशंस करना चाहते हैं दो अलग अलग लिस्ट है आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं सपोज आपके पास एक एल वन है जिसमें आपने टू थ्री फाइव स्टोर कर रखा है और एक एल टू है जिसमें आपने सपोज सिक्स नाइन और फाइव स्टोर कर रखा है और अगर आप चाहते हैं ऐसा करना है तो तो दोस्तों आप आप कर सकते हैं दो सेम के लिस्ट है, तो आप वहाँ पर उन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं ऐसे ही रिपीट करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं ये जो लिस्ट है वो तीन बार पांच बार दो बार रिपीट हो तो मल्टीप्लाई बाय टू कर दें मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव जो भी आप करना चाहें उतनी बार वो एलिमेंट्स जो भी है एल वन के जैसे टू थ्री फाइव टू थ्री फाइव टू थ्री फाइव टू थ्री फाइव जितनी बार आप लिखेंगे वो उतनी बार रिपीट होकर एल थ्री में या प्रिंट करना चाहे तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले हम लोग यहाँ एक बार उसका आ, एजेंडा देख लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे इंट्रोडक्शन जो ऑलमोस्ट मैंने आपको अभी बता दिया है उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते तो ये भी मैंने आपको बता दिया क्रिएट कैसे करना है एक्सेस कैसे करना है लिस्ट के ऊपर दोस्तों ऑपरेशन भी होते हैं जैसे ज्वाइन करना तो आप दो लिस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस ऑपरेटर ये भी बता दिया दोस्तों स्लाइस करना है तो स्लाइस भी मैं बता चुका था कि आप यहां पर ये यह लिख सकते हैं एल के टू से लेकर के फाइव तक की वैल्यू यानी कि उसके इंडेक्स दो तीन और चार यानी पांच को एक्सक्लूड करके बाकी सारी वैल्यू आपको दे देगा तो, तो, स्लाइस आप यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो एक ट्रू कॉपी बना सकते हैं मतलब एक्चुअल कॉपी बनाना है अगर आपको एक लिस्ट की तो आप वो भी यहाँ पर बना सकते हैं इसी टाइप से बहुत सारे ऑपरेशन है आप लिस्ट के ऊपर अलग अलग टाइप के फंक्शन को यूज कर सकते हैं आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कि आप टू डायमेंशन लिस्ट देखेंगे एक लिस्ट होती है ऐसी जिसमें लिखा था सेवन एट नाइन फाइव और एक लिस्ट है आपके पास ऐसी जिसके अंदर दोस्तों मल्टीपल रो है आपके पास और उसमें भी मल्टीपल कॉलम है जैसे इसमें लिखा था वन ऐसे कुछ वैल्यू है तो इसमें आपके पास रो है ये एक रो वन रो टू रो थ्री इस टाइप से और ये आपके पास सी ठीक है तो सपोज कॉलम वन है कॉलम टू है कॉलम थ्री है कॉलम फोर है इस टाइप से आप उसकी इंडेक्सिंग पे भी काम कर सकते हैं तो किस तरीके से टू डायमेंशनल लिस्ट बनती है आप यहां पर जो है वर्किंग विद लिस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ कुछ अपेंड करना चाहते हैं कुछ नया एलिमेंट या आप इंसर्ट करना चाहते हैं बीच में कहीं पर आप अपडेट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को बाद में उसमें चेंजेस आप डिलीट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को बीच में पीछे कहीं पर भी और आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों हम लोग आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार एक इंट्रोडक्शन तो दोस्तों पाइथन आखिर होता है क्या है लिस्ट इज अ काइंड ऑफ कंटेनर आप इसके अंदर जो है कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं लाइक सेवन फाइव टू एट ऐसा कुछ भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं बनाने के लिए क्या लिखेंगे एल इक्वल्स टू और इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसके साथ साथ दोस्तों आप इसकी वैल्यू को बाद में कभी भी बदल सकते हो तो बदलने को अपन क्या बोलते हैं म्यूटेबल लिस्ट इज अ अबल डेटा टाइप मतलब जो आपने लिस्ट बनाई है उसकी वैल्यूज को आप फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं विच मीन्स एनी वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट कैन बी चेंज्ड For changed value, Python does not create a new list. Matlab, जैसे अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो एक नई लिस्ट नहीं बनेगी उसी लिस्ट में आप बदल सकते हैं लेकिन जैसे स्ट्रिंग है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते टपल आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते लिस्ट में कर सकते हैं तो वही बात है लिस्ट इज अ अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग जैसे कि आप स्ट्रिंग बनाते हैं जैसे कि आप टपल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपके पास में लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है दैट लिस्ट इज अ म्यूटेबल जबकि आपके पास स्ट्रिंग और टपल क्या होती है इम्यूटेबल स्ट्रिंग और टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते जबकि लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं इसी टाइप से हम बात करेंगे कि यहाँ पर लिस्ट क्रिएशन कैसे की जाए तो लिस्ट क्या आपके पास एक बेसिक एक डेटा टाइप भी होता है जिसके लिए आपका एक फंक्शन भी है लिस्ट नाम का और इसमें आप जो भी वैल्यू पास करते हैं वो आपका एक लिस्ट बना सकता है। लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके है मैं आपको आगे बताऊंगा भी तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं इट इज इजेंस विच कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ एनी काइंड किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना होता है इस टाइप का एक ब्रैकेट होगा जिसमें आप लिस्ट बना सकते हैं अगर आप सिंपल ऐसा लिखते हैं जैसे कि एल इक्वल्स टू तो इससे क्या होगा आपकी एक एमटी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और इसी तरीके से अगर आप यहां पर जाकर के लिखते हैं एल इक्वल्स टू नाइन टेन इलेवन तो दोस्तों यहां पर ये यह आपके पास एक इंटीजर टाइप की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी इसी टाइप से अगर आप लिखते हैं एल इक्वल टू से इसलिए मैं कहूंगा जाएगी लेकिन अगर आप दोस्तों लिखते हैं एल इक्वल्स टू ए पर आपके पास एक कैरेक्टर लिस्ट हो जाएगी अगर आप लिखते हैं एल इक्वल टू संडे मंडे ट्यूसडे तो आपके पास स्ट्रिंग टाइप हो जाएगी और अगर आप लिखते हैं एल इक्वल्स टू ए यानी कि एक कैरेक्टर है फाइव यानी कि एक नंबर है ई अगेन करेक्टर है 8.5 एक फ्लोट नंबर है स्कोर एक स्ट्रिंग है इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो मिक्स्ड वैल्यू दोस्तों ये सारे के सारे के एग्जांपल है किसी को भी आप अपने आईडी में लिख करके देखें आपका ये लिस्ट जो है वो यहाँ क्रिएट हो चुका होगा और उस लिस्ट को आप देखना चाहते हैं प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं प्रिंट ऑफ एक ब्रैकेट के अंदर आप जाके लिख देंगे एल जो भी आप नाम ले रहे हैं तो आपको लिस्ट क्रिएट करना आ गया होगा दोस्तों अब लिस्ट की बात करें तो अपने पास एक एम टी लिस्ट भी होती है मतलब मैं लिखना चाहता हूँ एल इक्वल्स टू ये इससे भी एक लिस्ट बन जाएगी और आप ये भी कर सकते हैं एल इक्वल टू एक फंक्शन होता है लिस्ट इन दोनों ही फंक्शन से आप यहाँ पर क्या क्रिएट कर सकते हैं एम टी लिस्ट आप ऐसे भी एम टी बना सकते हो और ऐसे भी आप एम टी लिस्ट बना सकते हो एक होता है दोस्तों लॉन्ग लिस्ट लॉन्ग लिस्ट का मतलब क्या होता है एक एल नाम की एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें उन्हें लिखा है सेवन फाइव टू ऐसे बहुत सारा डेटा अगर आप लिखते जा रहे हैं तो इस टाइप की लिस्ट को अपन क्या बोलते हैं लॉन्ग लिस्ट ठीक है तो लॉन्ग लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास मल्टीपल कंटेंट होगा और साथ में वो आपके पास शायद दो तीन लाइन जितना बड़ा भी हो सकता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं लॉन्ग लिस्ट और एक होता है दोस्तों नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या हो गया आपके पास में एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो सकती है जैसे हमारे पास एक लिस्ट थी इस लिस्ट के अंदर अपने पास तीन एलिमेंट थे जैसे सेवन है फाइव है और इसके अंदर सपोज एक लिस्ट के अंदर आप एक लिस्ट या कोई दूसरा टाइप भी ले सकते हैं सपोज इसके अंदर आपके पास एक और लिस्ट है और उसमें आपने सेवन टू वन ऐसे कुछ डेटा स्टोर कर रखा है तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट का होना आप लिस्ट के अंदर चाहे तो स्ट्रिंग भी ले सकते हैं स्ट्रिंग को अगेन आप वैसे ही यूज करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग अपने आप में क्या है एक टाइप का एक सिक्वेंस है इसको मैं आपको आगे प्रैक्टिकली और अच्छे से भी बताऊंगा इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं यहां पर लिस्ट क्रिएशन को लेकर के दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये होता है जैसे कि अगर आपने एक फंक्शन लिखा है इनपुट ठीक है मैं लिखता हूं इनपुट और यहाँ पर मैंने लिखा है अ लिस्ट ठीक है मैंने लिख दिया एंटर अ लिस्ट अब दोस्तों होगा क्या कि हम एक लिस्ट टाइप कर रहे होंगे अब इस लिस्ट को जब आप टाइप कर रहे होंगे कोड के टाइम पर तो अगर आप सेवन लिखेंगे तो ये यहाँ पर किस टाइप से देगा आपको रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप अब ये इंटीजर सॉरी ये आपको क्या देगा स्ट्रिंग टाइप क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या देता है ये आपको स्ट्रिंग देता है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पे लिखेंगे आई अगर आई लिखेंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा अगर भाई दबे आप लिस्ट बनाना चाहते हैं ऐसे ब्रैकेट करके सेवन कॉमा एट कॉमा थ्री कॉमा टू इस तरीके से तो ये इसके लिए आपको यहाँ पर की जगह क्या लिखना पड़ेगा आप जाके लिखेंगे यहां तो तो हमको नहीं पता कि यूजर कैसे यहाँ इनपुट करेगा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ई वेल ई वेल का मतलब होता है इवेल्युएट करेगा कि आप यहां पर किस टाइप का डेटा ऐड कर रहे हैं सपोज आपने यहां से ऐसा लिखा है ब्रैकेट लगा के तो यहां पर लिस्ट स्टोर होगी लेकिन दोस्तों टाइप करते टाइम पर आपको ये ब्रैकेट जो है वो यूज करने ही करने पड़ेंगे और अगर आप नहीं करते बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ टू कॉमा एट कॉमा थ्री ऐसे ही लिख दिया है तो फिर ये यह दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्या बना देगा एक टपल बना देगा ठीक है तो इस चीज को ध्यान जरूर रखना ई वेल आप लिखना है इनपुट लिखना है और ब्रैकेट में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं जैसे एल एस टीवल टू ई वेल इनपुट Enter a list to be added. ये जब स्क्रीन अपने को दिखेगी अच्छा यहाँ पर मैंने आपको होगा एक वेरिएबल आप ले सकते हैं तो जो भी आप वैल्यू लिखेंगे दोस्तों आपको ऐसा लिखना पड़ेगा सेवन कॉमी एट तरीके से आपको लिखना पड़ेगा तो आपके पास यह एक लिस्ट बन जाएगी बिना ब्रैकेट के यहाँ पर यह टपल बना देगा ठीक है इवेल फंक्शन क्या है हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का डेटा आप यहाँ पर पास करें क्या वो स्ट्रिंग है अगर स्ट्रिंग है तो ठीक क्या वो लिस्ट है क्या वो टपल है जो भी टाइप का डेटा है वो उसको कन्वर्ट करेगा फंक्शन जिस टाइप का डेटा है उसी में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करने वाला होगा ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा अभी हम लोग बात करें कैसे हम लोग एक लिस्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो एक्सेस करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो तरीके हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडेक्स अब इंडेक्स दो तरीके के हैं आपके पास

लिखता हूं इस टाइप से तो ये क्या करता है यहां पर बैकग्राउंड में ऐसे जाके लिखेगा एस सी ओ आर ई एस एच ए एल और इस टाइप से ए इस इस टाइप से ऐसे इस इस से ऐसे ऐड करेगा स्कोर चाला तरीके लिखेगा इसकी जो इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल वैसी होगी जीरो वन टू थ्री ऐसे करते हुए और लास्ट वाला माइनस वन करते हुए ऐसे आगे आएगा तो जैसे आप स्ट्रिंग में काम करते हो सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूं सिमिलरिटीज है ये है कि आप स्ट्रिंग को भी ऐसे यूज कर सकते हो और आप लिस्ट को भी ऐसे यूज कर सकते हो सिमिलरली आप टपल्स को भी ऐसे यूज कर सकते हो डिफरेंस क्या है कि लिस्ट जो है वो आपके पास एक सिक्वेंस है लाइक अ स्ट्रिंग ठीक है लिस्ट जो है उसमें भी आपके पास एक इंडेक्स होता है जैसे कि आ, आपके पास में जो स्ट्रिंग है उसमें भी होता है टपल में भी होता है ठीक है लाइक स्ट्रिंग लिस्ट ऑल्सो इंडेक्सेस इसमें भी आपके पास वैसे ही जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्स आपके पास होता है जैसे अभी मैं आपको यहाँ बता रहा था Like आप चेंजेस कर सकते हो मतलब जबकि में आप नहीं कर सकते अगर ये लिस्ट होती तो आप ऐसा कर सकते थे एल इक्वल्स टू या फिर आप ऐसा लिख सकते थे एल वन जो है आपके पास में ठीक है जिसका थ्री है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर एम करना चाह रहे हो ये पॉसिबल होता लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर सकते हैं ठीक है तो एक छोटा सा डिफरेंस भी है और भी होंगे खैर हम लोग यहाँ बात करते हैं एक्सेस कैसे करेंगे तो मैं आपको बता चुका था कि ये आपके पास इंडेक्स है सपोज स्ट्रिंग का नाम है आपके पास एल तो मैं यहाँ पर यह लिख सकता हूं एल ऑफ टू ठीक है एल ऑफ टू अगर मैं प्रिंट में लिखता हूं तो दोस्तों क्या प्रिंट होगा ये आप मुझे बताएंगे कि ये ट्वेल्व प्रिंट करेगा बिल्कुल भी नहीं क्या ये फिफ्टीन प्रिंट करेगा क्योंकि सेकेंड वैल्यू ये है या फिर ये 26 प्रिंट करेगा क्योंकि इंडेक्स टू अपन बता रहे हैं। या फिर दोस्तों क्या करेगा ये बता चुका हूं तो इंडेक्स आपको यहां पर बताना होता है जिसके बेस पर आपके सामने रिजल्ट आता है ये क्या प्रिंट करेगा दोस्तों जरूर आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं साथ साथ में मैं बता रहा हूँ एक फंक्शन है जिसका नाम है लेन अगर दोस्तों में ये लिखता हूं एक फंक्शन है लेन और लैन में जाके लिखता हूं एल अब इसमें वैल्यूज कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा अगर आप प्रिंट में लिखेंगे इसको सपोज अगर आपने यहाँ जाके लिखा है प्रिंट ठीक है प्रिंट फंक्शन में आपने लिखा है तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा टेन क्योंकि इसमें टोटल टेन एलिमेंट्स यहाँ स्टोर हो चुके हैं ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर एल इंडेक्स बता करके आप यहाँ पर उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विल रिटर्न द वैल्यूज एग्जिस्ट एट इंडेक्स जैसे कि मैं आपको अभी कह रहा था कि आप इस टू पे ये टू क्या आपका एक इंडेक्स है तो ये आपको ट्वेंटी सिक्स प्रिंट कर देगा या फिर दोस्तों आप इसको ये भी लिख सकते थे माइनस एट अगर मैं यहां जाके लिखता हूं प्रिंट ऑफ एल ऑफ माइनस एट तो अभी आपको यही देगा और अगर आप लिखते हैं केवल टू तो अभी आपको ये यही वैल्यू देने वाला है इसका मतलब ये है कि हम यहां पर या तो ये इंडेक्स यूज कर सकते हैं या फिर ये दोनों में से सेम बात है तो आपको एक और मैं क्वेश्चन देता हूं अगर आपको यह समझ में आया हो तो आप मुझे यह बताने की कोशिश करें कि अगर बाई द वे मैं यहां जाके लिखता हूं प्रिंट और प्रिंट में जाके लिखता हूं सपोज इसका नाम एल है तो मैं यहाँ जाके लिखना चाहता हूं एल ऑफ जीरो जीरो की जगह दोस्तों मैं यहां जाके लिख देता हूं एल ऑफ माइनस सेवन ठीक है अब माइनस सेवन पे यह मुझे क्या वैल्यू देगा ये आप एक कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं ये जस्ट इसलिए चेकआउट करना चाह रहा हूं कि आपको ये अगर समझ में आ रहा है दोस्तों ये नहीं कि कमेंट सेक्शन में बस यूं ही आपको कमेंट करना है आपको इसलिए भी कमेंट करना है ये आप अपने आप को श्योरिटी देने के लिए कि मेरा आंसर एकदम करेक्ट है थोड़ा सा वीडियो आगे जा के मैं आपको वापस इसका आंसर भी बता दूंगा ठीक है खैर इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आई और जे बताते हैं जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर जाके लिख देते हैं प्रिंट ठीक है और प्रिंट के अंदर आपको जाके लिखना है एल ठीक है तो ब्रैकेट अपने पास ये हो गया और आप जाके लिखते हैं एल और इस ब्रैकेट के अंदर आपको ये बताना होता है फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स जो भी जिसके थ्रू आप लेना चाहते हैं सपोज दोस्तों मैं इस वाली वैल्यू को लेना चाहता हूं तो मैं इसमें क्या लिखूंगा माइनस वन से शुरू करना है सपोज यहां तक आपको लेना है मतलब 84 को इंक्लूड करना है तो दोस्तों इसके बाद वाला इंडेक्स लिखना पड़ेगा दैट इज यहां आपको लिखना पड़ेगा या तो आप लिखेंगे माइनस टू ठीक है कहां से शुरू हो रहा है ये वन से तो आप यहां पर क्या लिख देंगे आप जाके लिखेंगे एक से लेकर के आप ये लिख देंगे यहां पर सपोज की क्योंकि ये चाहिए तो आप लिख देंगे एट ठीक है ये भी चलेगा आप ये भी लिख सकते हैं एल जो है वो माइनस नाइन जो है ठीक है माइनस नाइन यहां से यहां तक जाना चाह रहे यहां से यहां आना चाह रहे जो भी आप लिखना चाहें तो आप ये बता सकते हैं माइनस थ्री तक आपको लेकर के जाना है ठीक है ये आपके ऊपर है आप इसको कौन सा प्रिंट करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं मैं ऐसे लिख देता हूं इसमें भी ये दोस्तों कि अगर आप यहां पर ये यह चाहते हैं पहले फिफ्टीन आए उसके बाद 54 आए उसके बाद 87 सेवन आए उसके बाद 85 फाइव आए तो आप यहाँ पर इसका स्टॉप वैल्यू जो बता रहे थे एट इसके साथ साथ आप उसके स्टेप भी बता सकते हैं एक एक छोड़ करके लिखना है मतलब टू के स्टेप्स में आपको चलना है इसके बाद सीधे यहाँ आना है फिर सीधे यहाँ आना है फिर सीधे ये आना है ठीक है थीके? तो आपके पास ये भी कि आई एंड जे विल रिटर्न न्यू लिस्ट विद द वैल्यू फ्रॉम आई इंडेक्स टू जे इंडेक्स एक्सक्लूडिंग जे एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर आठ लिख रहे हैं तो आठ को ये यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा उससे पहले तक की वैल्यू को करेगा ठीक है ओके इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं वो ये कि आप इसमें इन और नॉट इन यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं लिखना चाह रहा था कि फाइव इन एल और एल जो है आपके पास एक लिस्ट है सेवन कॉमा एट कॉमा फाइव कॉमा टू कॉमा ट्वेंटी वन इस टाइप से आपके पास कोई वैल्यू है ठीक है इस टाइप से आपके पास कोई वैल्यू है तो एक लिस्ट में क्या आपके पास फाइव है अगर है तो ये क्या रिटर्न कर देगा ट्रू नहीं तो क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स ये बिल्कुल सिंपल है इन और नॉट इन जो आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर थे वो यहां पर भी काम कर रहे हैं दूसरा आपके पास है कि आप यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को यूज करके दो लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं साथ साथ में दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई वाले सिंबल को यूज करेंगे स्टार वाला मल्टीप्लाई तो दोस्तों आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं मतलब इस लिस्ट को आपको पांच बार चाहिए एक लिस्ट है आपके पास ये अगर इस लिस्ट को आपको दो बार चाहिए तो आप क्या लिख देंगे एल मल्टीप्लाई टू अगर आपको यही लिस्ट प्रिंट में पांच बार चाहिए एल फाइव, तो ये वापस वापस से से इस तरीके से पांच बार ये चलता जाएगा खैर मैं इसको आपको आगे प्रैक्टिकल बताता हूं अगर डिफरेंस की बात करें लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है सिमिलरिटीज तो ये थी कि आप बिल्कुल यहाँ पर दोनों के अंदर जो है वो इंडेक्सिंग देख सकते हैं बैकवर्ड भी था फॉरवर्ड भी था आपके पास में यहाँ पर आप जो है टाइप्स के अलग अलग टाइप के जैसे इसमें डेटा आप स्टोर कर पा रहे थे डिफरेंस क्या है दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपके पास ये है कि जो लिस्ट है उसमें आप चेंज कर सकते हो जबकि स्ट्रिंग में आप नहीं कर सकते तो स्ट्रिंग क्या है स्ट्रिंग इज द कह सकते हैं यहाँ पर इम्यूटेबल है जबकि लिस्ट आपके पास क्या है म्यूटेबल है इट इस, इसका मतलब क्या है इंडिविजुअल वैल्यू इन स्ट्रिंग कांट बी चेंज आप वहां पर चेंज नहीं कर सकते वेर एस इट इज पॉसिबल विद लिस्ट आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बदलना चाह रहे थे अगर आपने लिख रखा है सपोज कि मैं ऐसे लिख देता हूं स्कोर शाला ठीक है स्कोर शाला अगर आपने एक स्ट्रिंग लगाई और इसमें ई को आप बदलना चाह रहे तो अब आप यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते स्ट्रिंग में लेकिन लिस्ट में आप बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों एक वर्ड आएगा आपके पास ट्रेवर्सिंग ट्रेवर्स का मतलब होता है ट्रेवर्सल मतलब कि आपके पास जो स्ट्रिंग है ये कंप्लीट स्ट्रिंग इसके एक एक एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है जैसे आप सेवन एट नाइन फाइव टू थ्री ये एक लिस्ट थी इसको अगर आप एक एक करके प्रिंट करना चाहते हो तो आप फॉर लूप लगा सकते हैं जैसे कि फॉर मैं लिख देता हूं आई ठीक है और एन एल तो ये क्या करेगा दोस्तों एक एक एलिमेंट एल का जैसे पहले सेवन देगा फिर एट देगा फिर नाइन देगा और आप इसके अंदर चार स्पेसिस छोड़ने के बाद प्रिंट में जाके लिख सकते हैं आई नाम की वेरिएबल तो आई नाम की वेरिएबल में जो जो एक एक करके एलिमेंट आएगा उसको एक एक करके आप प्रिंट भी करवा सकते हो तो सिंपल है ट्रेवर्सल का मतलब क्या है सारे के सारे एलिमेंट आपको यहाँ प्रिंट करने है तो लिस्ट मीन टू एक्सेस एंड प्रोसेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट ठीक है तो ये बिल्कुल सिंपल है इसके लिए आप यहाँ पर क्या यूज करते हो फॉर फॉरलुक तो फॉर फॉरलुक के थ्रू मैंने थोड़ा सा थ्योरिटिकल बता दिया आगे प्रैक्टिकली भी आपको सारी चीजें बताने वाला हूं इसी टाइप से दोस्तों अपने पास है कंपेयरिंग अ लिस्ट एक लिस्ट थी आपके पास एल वन जिसके अंदर आपके पास वैल्यू थी थ्री नाइन एट टू ठीक है एक एल टू भी थी आपके पास और इसमें आपने स्टोर कर रखा था फाइव टू नाइन एट ऐसे कुछ और अगर आप इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं एल वन इज ग्रेटर देन तो आप यहां पर देखेंगे मतलब ये ब्रैकेट तो मैंने ही लगा दी जरूरी नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा इस नंबर और इस नंबर को कंपेयर करेगा क्या ये इससे बड़ा है नहीं है खैर यहीं से आपका पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स ठीक है अगर ये सेम होता तो इसको कंपेयर करता ये सेम होता तो आगे वाले को कंपेयर करता और जहां तक आपके पास सिमिलरिटीज चलती जाएंगी आगे चलता जाएगा जैसे ही डिफरेंस आ जाएगा तो ये आपको रिटर्न क्या कर देगा फॉल्स मतलब ये कंपेयर करता है आप कर like यहाँ यूज कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर लिस्ट के साथ में भी और ऐसे ही दोस्तों हम लोग कह सकते हैं पाइथन कंपेयर लिस्ट और टपल इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में करता है इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों आपके पास सेम टाइप होने चाहिए ऐसा नहीं हो आपके पास कि एक लिस्ट है आपके पास l1 इक्वल्स टू टू कॉमा नाइन कॉमा थ्री और एक लिस्ट है आपके पास जिसमें आपने स्टोर कर रखा है a और आपने स्टोर कर रखा है b और आपने स्टोर कर रखा है सपोज c ठीक है तो ऐसे आप नहीं करें इसमें आपके सामने आएगी एक एरर ठीक है खैर ये भी आपको समझ में आ चुका होगा इस तरीके से अभी हम बात कर लेते हैं प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर को लेकर के लिस्ट के ऑपरेशन क्या है मेन हम लोग यहाँ पर अगर ऑपरेशन देखें तो एक आता है दोस्तों लिस्ट एक आता है यहाँ पर जो रेप्लीकेशन बनाना और एक आप यहां पर स्लाइसेस यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए आप प्लस को यूज करते मैं आपको बता चुका था एल वन और एल टू है आपके पास सपोज कोई लिस्ट ठीक है यहां पर आपके पास कोई लिस्ट है जो भी है आपके पास अगर आप चाहें तो एल थ्री टू कर सकते हैं आपकी वो लिस्ट लिस्ट उसी में होती जाएगी। जाएगी क्या करेगा? एक के बाद दूसरी हो जाएगी और वो आपके पास एल थ्री में आकर के स्टोर हो जाएगी इसी टाइप से आपको सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है बोथ द देंट शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप ये भी लिस्ट होना चाहिए ये भी लिस्ट होना चाहिए तभी चलेगा प्लस अदरवाइज एरर आ जाएगी आपके पास ऐसे ही रिपीटेशन में फाइव तो ये आप लिस्ट तो आपकी पांच बार रेप्लीकेट या जो इसको कह सकते हैं कि फाइव टाइम ये रिपीट करके आपकी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो सकता है अगर एक वेरिएबल लेना चाहे तो उसमें भी आ जाएगा और लिस्ट की स्लाइसेस में आपको बता चुका था कि इसमें आप जाके लिख सकते हैं 7 से टेन मतलब तो यहां नहीं आएगा तो कोई भी एक इंडेक्स जो भी आप लेते हैं एल ऑफ ठीक है सपोज आपके पास एक इंडेक्स था जिसकी जीरो इंडेक्स थी देन वन इंडेक्स थी अब ये कहां से शुरू करेगा टू से लेकर के अगर लास्ट टेन है तो ये कहां तक चलेगा यहाँ नाइन तक तो स्लाइसिस मतलब आगे जंप करेगा तो स्लाइसेस में भी आप ये सारी चीजें बता सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों ये हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए अगर आप ट्रू कॉपी की बात करें तो हम वो भी देख लेते हैं आप जनरली यूज कर सकते हैं फंक्शन लिस्ट एक फंक्शन यूज कर सकते हैं कॉपी ठीक है तो इसको हम लोग यूज करके स्लाइसेस बनाएंगे और साथ साथ में मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि जैसे आपने लिखा है l1 इक्वल्स टू ऐसी कोई लिस्ट और अगर आप लिखते हैं एल टू इक्वल्स टू अगर आप l1 में चेंजेस करते हैं तो एल टू में भी चेंज हो जाएगा और एल टू में बदलते हैं तो l1 में भी चेंज हो जाएगा इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेपरेट सेपरेट वेरिएबल नहीं बनी है उसी वेरिएबल का एक यहां पर लेबल और आपने ऐड कर दिया है तो कॉपी बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिस्ट मैथड को यूज कर सकते हैं कॉपी मैथड को यूज कर सकते हैं और बाय स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स यानी कि इंडिविजुअल आप एक एक वैल्यू को लेकर के भी उसमें लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जो कि लूप के थ्रू दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं इसको आपको थियोटिकली समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं आखिर ट्रू कॉपी होती क्या है क्लास इलेवेंथ आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में दोस्तों लिस्ट जो है वो हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा इसका मतलब ये हो गया है कि मैं यहाँ पर अगर एक से ज्यादा टाइप का डेटा मेरे पास या एक सेम टाइप का भी अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो मैं उस डेटा को एक लिस्ट में स्टोर करवा सकता हूँ इसके लिए मुझे बहुत सारी वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं होगी तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बिल्कुल प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखा देता हूँ इसके लिए मैं आइडियली स्टार्ट करता हूँ और यहाँ एक वेरिएबल बना देता हूँ एल अगर दोस्तों मुझे पांच नंबर स्टोर करने होते शायद मैं एक वेरिएबल बनाता है एल वन इक्वल्स टू फाइव फिर मैं लिख देता एल टू इक्वल्स टू सेवन इसी टाइप से मैं जाके लिख देता एल थ्री टू सपोज फिफ्टी एट मैं जाके लिखता एल फोर इक्वल्स टू सपोज नाइनटी सेवन और ऐसे ही एल फाइव इक्वल्स टू फोर्टी सेवन ऐसा मैं कुछ लिखता उसके बाद मुझे इसको प्रिंट अगर करना होता तो मैं फिर लिखता एलवन एल वन की वैल्यू प्रिंट करता और ऐसे ही अगर मैं मल्टीपल टाइप की जो मल्टीपल जो मेरे पास वेरिएबल्स है अगर मैं उनको प्रिंट करना चाहता तो मैं इसमें टू लिख देता थ्री लिख देता फोर लिख देता फाइव लिख देता इस टाइप से मेरे पास मैं इसको एक काम करता हूँ पहले सेव कर देता हूँ और मेरे पास ये जो पांच वेरिएबल्स हैं उनका डेटा मैं इस तरीके से डिस्प्ले कर सकता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया पांच अलग अलग वेरिएबल्स बनाई हैं लेकिन इसी काम को करने के लिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर सकता था सपोज लिस्ट का नाम मैं एल कर देता हूँ एल इक्वल्स टू और मैं ऐसा एक ब्रैकेट बना सकता हूँ और इसके अंदर आप जितने मर्जी चाहें उतने नंबर डाल सकते हैं या कोई भी टाइप का वैल्यू स्टोर आप यहाँ कर सकते हैं जैसे सेवनटी एट एटी फोर या फिर मैं सिक्स पॉइंट फाइव या फिर दोस्तों मैं यहाँ पर इस्कोरशाला ठीक है इस्कोशाला या फिर मैं यहाँ पर सपोज़ की एस ठीक है इस टाइप से मैं कुछ डेटा स्टोर करना चाह रहा था ठीक है सपोज़ की नाइन्टी सेवन ऐसे कुछ भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं सारा का सारा डेटा लिस्ट में स्टोर हो गया अब आपको क्या देखना है कि ये जो लिस्ट का डेटा है इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स इंडेक्स जो है वो मतलब जो सेवनटी एट वैल्यू है वो स्टोर कहाँ हुई है तो इंटरनली इसकी एक इंडेक्सिंग बनी है फर्स्ट वैल्यू होती है देन टू देन थ्री एन देख फोर देन फाइव ठीक है अगर आप यहां पर प्रिंट करके देखें मैं जाके लिख देता हूं प्रिंट और एल वन तो आप देखेंगे ये जो पांच वैल्यूज है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी फर्स्ट सेवेंटी एट थी फिर एटी फोर थी फिर सिक्स पॉइंट फाइव थी फिर स्कोर शाला फिर एस और फिर नाइनटी सेवन अब ये स्कोर शाला जो आपने स्ट्रिंग लिखा है ये अपने आप में एक टाइप की स्ट्रिंग है और फिर इसकी भी इंडेक्सिंग होती है खैर हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट आखिर है क्या और लिस्ट को हम लोग बहुत अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पर एक एम लिस्ट भी बना सकते हैं जैसे मैं एल इक्वल्स टू ब्रैकेट आप इस तरीके से बना सकते हैं तो यह आपकी एक एम लिस्ट है मैं अगर यहाँ पर प्रिंट कर देता हूं एल को तो एल के अंदर किस टाइप की वैल्यू होगी दोस्तों कुछ भी नहीं है ब्लैंक है एम है ठीक है और अगर आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं आपको जाके लिखना होता है टाइप ऑफ एल ठीक है ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं अपन इसको सेव करते हैं और फिर आप इसको रन कर सकते हैं आप देखेंगे एक लिस्ट आपने यहाँ पर क्रिएट कर दी है दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए एक एम लिस्ट बनाने के लिए आपके पास एक और तरीका भी है जिसका नाम है आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लिस्ट आप ऐसे करके भी लिस्ट बना सकते हैं जैसे मैंने अभी एल बनाई है हम एक काम करते हैं एल के साथ एल को प्रिंट करके देख लेते हैं और ऐसे इसका जो टाइप है अपने पास एल वन का वो अपन एल टू करके देखते हैं तो दोनों लिस्ट बनी है दोनों एम टी है और दोनों के टाइप भी आपके पास लिस्ट है ठीक है तो आप दो तरीकों से लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं या तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर आप लिस्ट को लिख भी सकते हैं अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ और चीजें बता देता हूँ जो आप लिस्ट बनाते हैं जैसे आप दोनों तरीकों से बना सकते खैर आगे हम लोग कुछ और बातें भी करते हैं तो जो लिस्ट मैंने यहाँ बनाई है उसमें आप अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं ऐसे कुछ वैल्यू तो ये जो लिस्ट का टाइप है वो आपके पास क्या है इंटीजर मतलब है तो ये लिस्ट लेकिन इस लिस्ट में कलेक्शंस किसके हैं इंटीजर के तो आप इसके अंदर यहाँ पर अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एल्वन आप इसके बाद जा करके इसको फिर से सेव करके रन करेंगे तो आपके पास वो सारी वैल्यू दिख रही है वो सब इंटीजर है लिस्ट का जो टाइप है ठीक है मैं फिर कह देता हूँ लिस्ट का जो टाइप है मतलब ये जो एल्वन जो आपके पास है इसका जो टाइप है वो तो क्या रहेगा आपके पास लिस्ट है लेकिन इस लिस्ट के अंदर की जो वैल्यू है सिक्स फोर फाइव सेवन वो सब क्या है आपके पास इंटीजर है ऐसे ही दोस्तों आप चाहें तो इसको फ्लोट भी कर सकते हैं लाइक सिक्स पॉइंट सिक्स कर देता हूं मैं ऐसे ही फोर पॉइंट फाइव कर देता हूं मैं इसी टाइप से मैं यहां पर जाकर के कुछ और वैल्यूज भी स्टोर कर देता हूँ जैसे फाइव पॉइंट एट हो जाएगा और सेवन पॉइंट नाइन तो अगर आप इसको फिर से सेव करके रन करेंगे तो वो सारी फ्लोट वैल्यू आपके सामने आएगी टाइप तो उसका लिस्ट ही है ना चलो टाइप अपन हटा देते हैं इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर चाहें जैसे अपन ने अभी क्या देखा था एक एमटी लिस्ट कैसे बना सकते हैं इंटीजर लिस्ट कैसे बनाते हैं फ्लोट लिस्ट कैसे बनाते हैं अगर आप दोस्तों कैरेक्टर लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे सी मैं ऐसे लिख देता हूं एच ठीक है या फिर मैं लिख देता हूं ए या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर आर ऐसे आप जो है सिंगल कोट या डबल कोट में वैल्यूज पास कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर एक लिस्ट बना सकते हैं इसमें चार अलग अलग कैरेक्टर मैंने स्टोर करे सी एच ए आर बेसिकली फॉर कैरेक्टर था ठीक है ओके इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर हम लोग अगर स्ट्रिंग बनाना चाहें तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर एक ही चीज़ होती है पाइथन में तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के नाम जैसे क्लास के कुछ स्टूडेंट थे राहुल ठीक है एक का नाम था तुषार एक का नाम था भावेश इसी टाइप से एक का नाम था विनय ठीक है ऐसे अपने पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके अपन ने कुछ नाम यहाँ स्टोर किए हैं ठीक है ठीके? अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो सारे स्ट्रिंग्स जो चार स्ट्रिंग्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी तो कहने का मतलब है कि आप ऐसे लिस्ट अलग अलग बना सकते हैं दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आप यूजर से एक लिस्ट लेना चाहते हैं तो अब आप यूजर से लिस्ट कैसे लेंगे ये आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देखिए जैसे मेरे पास यहाँ एक वेरिएबल थी L1 और मैं यहां से चार पांच वैल्यूज यूजर से लेना चाहता हूं जैसे पांच लोगों के नाम तो आप क्या लिखेंगे आप शायद यहाँ जाकर के लिख देंगे इनपुट है ना आप क्या लिखेंगे आप जाके लिख देंगे इनपुट और इस इनपुट के अंदर आप लिख देंगे एंटर अ लिस्ट ठीक है यूजर ने एक लिस्ट टाइप कर दी होगी सपोज अपन इसको रन कर लेते हैं अभी फिलहाल स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग जा करके स्टोर करेगा मैं इसको एक बार ऐसे ही सेव करके रन कर देता हूँ और आपने यहाँ पर जो वैल्यू डाली होगी वो होगी नाइन एट सेवन इस टाइप से कुछ वैल्यू ठीक है और अगर आप एंटर कर देंगे तो वो एज इट इज आपको लिस्ट देखने को मिल रही है लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ये लिस्ट है ही नहीं ये क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है ठीक है ये क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के ऊपर अगर अपन कुछ ऑपरेशन करना चाहें जैसे मैं लिख देता हूँ एल वन ठीक है एलवन ऑफ टू इक्वल्स टू या एलवन ऑफ टू जो है ठीक है इसके ऊपर अपन को कुछ काम करना है एलवन ऑफ टू इक्वल्स टू मैं सपोज फिफ्टी करना चाह रहा हूँ और फिर अपन उसके बाद एलवन की वैल्यू को देखना चाहते हैं आप देखें यहाँ अगर मैं जाके लिख देता हूं ऐसे कुछ भी जैसे नाइन एट सेवन फोर फाइव ऐसे कुछ भी वैल्यू लिख देंगे और आप रन करेंगे यार क्यों क्योंकि वो आपने जो लिखा था वो क्या था आपके पास एक स्ट्रिंग थी ये बेसिकली क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर आप किसी भी टाइप के असाइनमेंट्स नहीं कर सकते हैं मतलब आपको पता होगा कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल टाइप का डेटा होता है और यहाँ आप जो है उसमें असाइनमेंट ऑपरेशन जो है वो आप नहीं कर सकते तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में तो आप क्या लिख देंगे एक फंक्शन लगा देंगे लिस्ट सिंपल सा काम है अगर आप अभी देखेंगे तो अभी ये काम कर जाएगा ठीक है मैं इसको कोड को सेव करता हूँ और फिर मैं इसको रन कर देता हूँ अगर आप अभी इसमें जा करके कुछ लिख देते हैं जैसे नाइन एट सेवन फोर फाइव ऐसे कुछ भी आप नंबर पास कर सकते हो और आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो लिस्ट आई थी जो नाइन एट सेवन फोर जो भी आपने डाला है ठीक है तो ये क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ आपका जो डेटा स्टोर हुआ था आप देखेंगे ठीक है तो यहाँ अपने पास जो डेटा है वो आपके पास ये रहा फर्स्ट वैल्यू अपने पास ये आई मतलब सबसे पहले अपने क्या डाला था यहाँ पर ब्लैंक ठीक है उसके बाद यहाँ आपके पास है नाइन इसके बाद ये आपको 50, फिर आपको 8, पता नहीं किस टाइप से वैल्यू आपको ये डिस्प्ले कर रहा है ठीक है तो ये जो आपके पास बनी है वो कंप्लीट एक लिस्ट नहीं बन पाई है ठीक है आपने क्या लिखा है यहाँ पर तो ये आपके पास पहला तो ये आ गया, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के इस तरीके से ठीक है चलिए खैर मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि जो आपने एलवन में वैल्यू ली है या जो भी आपने चेंज करी है मैं यहाँ पर अगर इसको लिस्ट फंक्शन वैसे लिस्ट सही तो था ही लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ और टाइप का डेटा डालते तो आपके सामने एक इशू और क्रिएट करता अभी फ़िलहाल आप अपने ब्रैकेट भी लिया है okay, अगे अगर आप यहाँ पर लिस्ट की जगह कुछ और लिखते जैसे आई या फिर आप कुछ और तो फिर आपके सामने एक इशू हो जाता जैसे मैं लिखता आई ठीक है और खैर मैं इसको हटा देता हूँ आप देखेंगे आप जैसे इसको सेव करके रन करेंगे और आप वैल्यू डाल रहे हैं फाइव कौमा ये कौमा ये कौमा ये तो ये बेसिकली एक टाइप का टपल बन रहा है आप देखेंगे तो टपल जा रहा है वहां पर और यहाँ पर वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है दोस्तों एक बहुत अच्छा फंक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ उसका नाम है अपने पास में यहाँ पर ईवेल ठीक है तो अपने पास क्या एक फंक्शन जिसका नाम है ईवेल और इसमें अब आप जो भी लिखोगे वो उसको ईवेल्यूट कर लेगा एज अ स्ट्रिंग सॉरी एज अ टपल या आप जो भी आप ले रहे हैं जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ फाइव आप देखना क्या हो रहा है फाइव डिस्प्ले कर रहा है मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ जैसे ये वैल्यू भी आ गई और साथ में मैं इसके अंदर प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर टाइप टाइप ऑफ एलवन सपोज ऐसे ही ठीक है आप इसको वापस चला के देखते मैंने लिखा फाइव देखिए इंटीजर टाइप का डेटा आ गया मैं इसी कोड को फिर से सेव से करता हूं और मैं लिखता हूँ फाइव कॉमा नाइन इसका मतलब ये क्या बन गया आपके पास टपल बन गया दोस्तों इसी कोड को अगर मैं फिर से रन करता हूँ और इस बार मैं इसमें जा करके लिख देता हूँ सपोज स्कोर शाला ठीक है स्कोर शाला आप देखेंगे यहां पर क्या बन गया ये स्ट्रिंग इसी कोड को दोस्तों मैं फिर से रन कर देता हूं और इस बार मैं ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ नाइन एट कोमा सेवन कोमा सिक्स क्या बन बन गया गया ये आपके पास एक लिस्ट तो दोस्तों फंक्शन क्या करेगा Evaluate कर देगा आपकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो उसको कन्वर्ट करके एलवन में स्टोर कर देगा और फिर आप आगे उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों जो आप लिस्ट बनाते हैं जैसे आप इसके थ्रू भी बना सकते हो मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ एलवन इक्वल्स टू सबसे सिंपल रहेगा हमेशा के लिए मैं ऐसी कुछ वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ तो ये जो लिस्ट आपके पास बनी है इसको एक्सेस करने के लिए आप यहाँ यूज करते हैं इंडेक्स ठीक है इंडेक्स दो टाइप के होते हैं दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा वाला भी ले सकते हैं ठीक है इसको अपन बोल सकते हैं फॉरवर्ड है फॉरवर्ड में क्या होता है शुरू होता है जीरो से देन वन देन टू देन थ्री इस तरीके से आगे चलता जाएगा इसी के साथ साथ दोस्तों आपके पास एक और इंडेक्स होता है जो आपके पास होता है इस तरीके से तो इसमें क्या होता है कि ये जो शुरू करता है जैसे स्टार्टिंग यानी कि जो लास्ट वैल्यू है मतलब मैं बात कर रहा हूं इस एट पे तो इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो आपके पास होती है माइनस वन ठीक है उससे पहले आपके पास क्या होती है यहाँ पर माइनस टू उससे पहले आपके पास होती है माइनस थ्री इसी तरीके से उससे पहले आपके पास होती है माइनस फोर तो ऐसे ही आपके पास में जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग चलेगा कहने का मतलब है कि ये है जीरो देन वन देन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स देन सेवन और इसको आप ले सकते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट इस तरीके से भी जैसे मैं काम कर देता हूं मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूं मैं जाकर के लिख देता हूं प्रिंट और जाके लिख देता हूँ एलवन एलवन का मुझे प्रिंट करना है जीरो तो जीरो पे क्या आ रहा है आपके पास नाइन ठीक है मैं इसको सेव करके रन करता हूं आपको क्या मिल रहा है नाइन इसी तरीके से मैं इसी कोड को फिर से ऐसे बार बार कॉपी पेस्ट कर देता हूं आप देखेंगे यहां मैं जीरो कर रहा हूं देन वन कर रहा हूं देन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स तो इसमें टोटल आपके पास एलिमेंट्स कितने हो गए सेवन ठीक है मैं इसको फिर से कर देता हूँ और ये आपके पास सेवन एलिमेंट्स हैं एक दो तीन चार पांच छह सात मतलब टोटल आपके पास इंडेक्स सात तक हो जाएंगे जीरो से लेकर के मैं इसको सेवन कर देता हूं और आप देखेंगे रन करके आपके पास सारी वैल्यू नाइन एट सेवन फाइव सिक्स जो भी आपने वैल्यूज डाल रखी थी तो जीरो ये पहला वैल्यू था आपके पास जो जीरो इंडेक्स पे था देन सेकंड वैल्यू आपके पास इंडेक्स नंबर वन दैन देन थ्री देन देन फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे चलता जाएगा दोस्तों आप यहां पर अगर ये लिखते हैं सपोज माइनस वन इसको अगर आप लिखते हैं माइनस टू इसको आप जाके लिखते हैं माइनस थ्री इसको आप जाके लिखते हैं माइनस फोर इसको आप जाके लिखते हैं माइनस फाइव इसको आप लिखते हैं माइनस सिक्स इसको आप जाके लिखते हैं माइनस सेवन और इसको आप जाके लिखते हैं माइनस एट तो ये क्या कर देगा माइनस वन पे ये वाली वैल्यू पहले प्रिंट करेगा फिर ये करेगा फिर ये करेगा इस तरीके से भी आप यहाँ पर उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो ठीक है तो दो तरीकों से आप एक्सेस कर सकते हो आपको बस एक तो उसका ये ध्यान रखना पड़ेगा जनरली हालांकि अपन जीरो से शुरू करते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो माइनस वाली रेंज भी यूज कर सकते हैं सपोज दोस्तों मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूं फाइव तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे आप इसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये फाइव दो तरीकों से है आप क्या क्या यूज कर सकते हैं कौन कौन से इंडेक्स इसके बन सकते हैं लाइक जीरो वन टू थ्री वाला या, या फिर माइनस वाला दोनों में से जो भी आपको समझ में आए या दोनों आ गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर इसको फाइव वाली वैल्यूज को इस वाली फाइव की बात कर रहा कराऊ ठीक है बाद वाले फाइव की नहीं इस वाले फाइव को कैसे आप प्रिंट करा सकते हैं ये आपको मुझे बताना है ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपके पास एलवन नाम की जो लिस्ट बनी है अगर दोस्तों हम लोग इसकी लेंथ लेना चाहें तो कैसे लेंगे एक फंक्शन होता है आपके पास मैं सपोज एल नाम की वेरिएबल बना देता हूँ एल इक्वल्स टू लेन एक लैन नाम का फंक्शन है इसमें अगर आप एल वन नाम की वेरिएबल पास करते तो एल में उसकी टोटल लेंथ आ चुकी है आप प्रिंट करके देख सकते हैं जैसे मैं लिख देता हूँ लेंथ इज ठीक है और जो लेंथ है आपके पास वो किस में आ गई है एल नाम की वेरिएबल में मैं ऐसे ही यहाँ एक कॉलर लगा देता हूँ अच्छे से दिखेगा इसलिए तो मैं लिख देता हूं इसमें आपके पास लेंथ है आठ मतलब टोटल आठ वैल्यूज है इसके अंदर जीरो से सात इंडेक्स तक ठीक है ओके इसी तरीके से अगर आपको ये लगता है कि आप एक एक वैल्यूज को लेना चाहते हैं जो कि आगे का एक टॉपिक है जो है ट्रेवर्सिंग करना एक एक एलिमेंट्स को लेना तो आप वो भी कर सकते हैं उसके लिए आप लिखते हैं फॉर आई नाम की एक वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर आई इन एल ठीक है एल में आपकी जो भी वैल्यूज है वो सब आपकी एक एक करके आई में आती जाए और फिर वो आप यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सपोज आई जो भी आई की वैल्यूज है यानी कि एलवन में जो भी आपके पास था वो सब एक एक करके आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होता जाएगा ठीक है नाइन एट सेवन जो भी आपके पास वैल्यूज थी वो सब आती गई इस वाले केस में तो हालांकि लेंथ की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं क्योंकि अगर आपको ऐसा लेना है तो आपको पता है आप सिक्वेंस यूज कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर ये यह भी लिख सकते थे रेंज ठीक है रेंज रेंज फंक्शन से भी तो कर सकते हैं तो जीरो और कहाँ तक लेना है आपको L1 तक sorry, L तक कर देता मैं इसी कोड को फिर सेव करके रन करता हूं आप देखेंगे यहां आपके सामने क्या आ रहा है वो आपके पास इंडेक्सेस क्योंकि ने यहां क्या लिखा है आई लेकिन अब आपको यहां पर क्या लिखना है आपको लिखना पड़ेगा जो एलवन है ठीक है उसकी इंडेक्सिंग आपको बतानी पड़ेगी तो अगर आप इसी कोड को फिर से रन करके देखेंगे अब आप आपको देखिए नाइन एट सेवन फाइव इस टाइप की वैल्यूज आपको देखने को यहाँ मिल रही है तो दोस्तों ट्रेवर्सिंग का एक टॉपिक है जो आगे का है मैंने आपको अभी बता दिया है ट्रेवर्स आप कर सकते हैं साथ साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्लाइसिस भी ले सकते हैं क्योंकि लेंथ के थ्रू मुझे बताना था तो पहले मैंने आपको यहाँ लेंथ भी बता दिया है और ट्रेवर्सिंग भी बता दी है दोस्तों अगर मैं यहां से ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना ही डेटा मुझे प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे आप जाकर के लिख सकते हैं प्रिंट और प्रिंट में आप जाकर के ये बताएंगे कहां से शुरू करना है ठीक है तो आप क्या लिख देंगे एलवन के अंदर से आपको प्रिंट करना है और आपको इंडेक्स नंबर यहां से शुरू करना है सपोज ये लेना है तो इसका इंडेक्स जहां से शुरू हो रहा है ठीक है सेवन कहां पर है जीरो वन देन टू तो आप यहाँ क्या लिख देंगे टू टू से शुरू करना है फिर आप लगाते हैं कॉलन तो ये है टू से ठीक है फिर आपको चाहिए थ्री फोर और फाइव तो आप यहां लिख देंगे सिक्स ठीक है क्योंकि एक नेक्स्ट वाला भी आपको लिखना पड़ेगा वो इंक्लूड नहीं है टू से सिक्स का मतलब है टू थ्री फोर फाइव इतना आप एक बार लिखें इस कोड को सेव करें आप इस कोड को रन करें आप देखेंगे सेवन फाइव सिक्स फोर ही आपको देखने को मिल रहा है जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था आप यहाँ प्रिंट लिख सकते हैं और एलवन जिसमें कि कंप्लीट आपको डेटा देखने को मिल जाएगा इसमें से मैंने आपको बताया था कि आप ये वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं दोस्तों अगर बाय द वे आप यहाँ से कुछ और भी प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये पहले मेरे को प्रिंट करे नाइन फिर एट नहीं करके कर दे सेवन फिर फाइव नहीं करके कर दे सिक्स फिर फोर नहीं करके कर दे फाइव ठीक है इसका मतलब है इसकी जो इंडेक्सिंग है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जीरो से शुरू करना है ठीक है और ये लेकर यहाँ तक मैं लिखूंगा तो लास्ट जो आपके पास इंडेक्स है वो क्या है आपके पास सेवन अगर आप एक बार इतना लिखते हैं तो आप देखेंगे सारे के सारे वैल्यू आ रही है ठीक है जो आपने लास्ट वाले को नहीं लिया है सेवन लिखा है इसका मतलब एट से पहले तक इसमें भी दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि मुझे एक एक के गैप से चाहिए तो आप क्या लिख दो? कि दो मतलब पहले को एक एक से तो बाय डिफॉल्ट चल ही रहा था है ना अगर आप यहाँ लिखते हैं टू तो वो क्या कर रहा है आप देखें ये आपको दिखा रहा है सबसे पहले ये नाइन उसके बाद जो स्टेप था वो उसका है दो मतलब एक एक से नहीं बढ़ के दो दो से बढ़ रहा है तो ये सेवन उसके बाद ये आ रहा है सिक्स उसके बाद ये आ रहा है फाइव तो आप ऐसा भी ले सकते हैं ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्लाइसेस अगर दोस्तों में यहाँ पर सपोज ये आपके लिए क्वेश्चन है ठीक है अगर मैं यहाँ पे जाके लिखना लिख देता हूँ सपोज की सेवन ठीक है और फिर यहाँ जाकर के लिख देता हूँ या मैं काम करता हूँ यहाँ जाके लिख देता हूँ टू और यहाँ जाके लिख देता हूँ मैं सपोज फाइव कर देता हूँ और यहाँ जाके लिख देता हूँ मैं सपोज वन अभी आपके पास में इसका आंसर क्या आएगा ये आप चाहें तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर स्लाइसेस समझ में आ रही है तो स्लाइसेस का इसका आउटपुट क्या आएगा टू कॉलन फाइव कॉलन वन ठीक है इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे जरूर बताइएगा चलिए एक और अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर अब ये भी तो हो सकता है कि हम उल्टा चलाएं जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पर शुरू कहाँ से करना है सेवन से खत्म कहाँ पे करना है ठीक तो है थीके? तो खत्म कहां पे करना है दोस्तों आप मत बताओ ठीक है आप मत बताओ सेवन से अभी आपने बताया नहीं खत्म करना है और स्टेप क्या default, है आप अगर सेव करके इसको रन करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपके पास सेवन से कहां पर कहावन से शुरू हुआ वहीं रुक गया ये आगे चला ही नहीं क्योंकि बेसिकली वो आगे जा रहा था पॉजिटिव में लेकिन अगर आप ये चाहते हो पीछे आए तो आप यहाँ पर यह भी बता सकते हो सपोज मुझे दो था दो मतलब इंडेक्स नंबर जहां पर ठीक है टू तक आकर के रुक जाएगा तो इंडेक्स नंबर टू आपका ये वाला था तो ये यहाँ यानी कि फाइव तक आपको डिस्प्ले करेगा लेकिन अगर आप चलाएंगे तो नहीं करेगा आप देखेंगे ठीक है नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि स्टॉप वैल्यू सही है ही नहीं ठीक है आपको यहाँ अगर सेवन से टू तक आना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा माइनस वन अगर आप माइनस वन कर रहे हैं तो आपने शुरू किया सेवन देन सिक्स देन फाइव देन फोर देन थ्री और जैसे टू आएगा वो रुक जाएगा आप इस कोड को सेव करें रन करें आप देख रहे होंगे अब सही है आठ पांच चार छः पांच इस तरीके से आपके पास आ रहा है ठीक है तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप यहां पर नेगेटिव वाला चला सके दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहां लिख दे माइनस वन से शुरू करना है मुझे और ये चलेगा माइनस एट तक ठीक है अगर आप अभी चलाएंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या रिजल्ट है देखते हैं ठीक है आपके पास कुछ भी नहीं आया अगर आप यहाँ पर माइनस आठ से शुरू करें और माइनस एक तक जाना चाहते हैं तो लास्ट वाला आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है आप ये देखें ठीक है तो ये भी सही है आपका इस तरीके से ये भी दे देगा आपको क्योंकि ये पॉजिटिव चल रहा है लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर यही चाह रहे थे जैसा अभी मैंने लिखा था माइनस एक से सबसे लास्ट वाले से माइनस आठ जिसको एक्सक्लूड कर रहे हैं अपन तो उससे सबसे लास्ट जो आपके पास है उल्टा अगर मैं कर रहा हूँ तो उससे जस्ट एक पहले तक की वैल्यू आपको देगा लेकिन कब देगा जब आप यहां पर क्या लगाएंगे माइनस वन आप इस कोड को फिर से रन करें आप देखेंगे आपको लास्ट ये यह यहां से शुरू किया है एट फाइव फोर सिक्स फाइव सेवन और एट इस तरीके से ठीक है अगर आप यहां ये यह चाहते हैं कि सारे के सारे वैल्यू आ जाए तो हटा दो इसमें मत लिखो आप। आपको सारी वैल्यू मिल गई रिवर्स वाली और ऐसे अगर आप पॉजिटिव चाह रहे थे जैसे मैं जीरो से चाह रहा हूं और इसमें ये भी नहीं बताता हूँ तो सारी वैल्यू आ जाएगी ठीक है आप इसको चलाएं देखें आप ठीक है अगर आप यहाँ पर ये नहीं भी बताएंगे तो अभी दोस्तों लास्ट तक ही आपको देखने को मिल रहा है तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो आपको शायद समझ में आ गई होंगी स्लाइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लिस्ट के साथ भी स्ट्रिंग के साथ भी टपल के साथ भी ठीक है इसी टाइप से अभी हम यहाँ पर इन और नॉट इन को भी तो यूज कर ही सकते हैं ठीक है लिस्ट के साथ जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें एलवन मैंने बना रखी है और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि सपोज मैं प्रिंट में ही लिख देता हूँ सिंपल सीधा सीधा ही लिख देता हूं मैं लिख देता हूं फिफ्टी इन ठीक है फिफ्टी है क्या अगर है तो क्या रिटर्न कर देगा दोस्तों ये ट्रू अगर नहीं, अगर नहीं है क्या रिटर्न कर देगा फॉल्स अगर मैं यहाँ पर फाइव लिख देता हूँ ठीक है आप देखेंगे आपके पास क्या आ गया है ट्रू अब ये समझ में आ गया होगा अगर आप ये चाहते हैं दोस्तों ये फाइव कौन सा वाला ये वाला है या ये वाला है तो ऐसे चेक भी आप कर सकते हैं जिसके लिए मैं आपको आगे कुछ फंक्शंस बताऊंगा बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर वो फिर हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ खूब सारे फंक्शन है जो लिस्ट पे काम करते हैं वो सारे मैं आपको आगे बताता हूँ ठीक है इसी तरीके से दोस्तों जैसे हम इन देख रहे थे आप यहाँ पर नॉट इन भी लिख सकते हैं ठीक है आप नॉट इन भी यूज कर सकते हैं फाइव नॉट इन एल है इसमें तो ये क्या कर देगा आपको फॉल्स ठीक है मैं बोल रहा हूँ पांच नहीं है एलवन में इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि पांच तो है इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है आपको फॉल्स ठीक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा आप दोस्तों लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जैसे सपोज मेरे पास एक लिस्ट है एलवन नाम की और एक लिस्ट है मेरे पास एल्वन इक्वल्स टू ठीक है इस तरीके से मैं इसमें एट सेवन नाइन और फोर ऐसे कुछ ऐड कर देता हूँ ऐसे ही मेरे पास एक L2 भी है और L2 के अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ सपोज टू फोर सेवन नाइन ऐसे कुछ वैल्यूज मैं अगर L3 चाहता हूँ L3 जिसके अंदर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं L3 लेता हूँ L3 थ्री इक्वल्स टू एल प्लस एल करता हूँ इससे क्या होगा दोस्तों L1 में है एट सेवन नाइन फोर और उसके बाद में टू फोर सेवन नाइन ये सारे ऐड हो जाएंगे अगर आप प्रिंट करेंगे L1 को तो L1 की वैल्यू दिखा देगा अगर आप ऐसे ही यहाँ पर ठीक है ये जो वैल्यूज हैं ऐसे ही यहाँ एल वन फिर आप एल टू कर सकते हैं और एल थ्री करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है देखते हैं एल वन एल टू और एल थ्री में एल वन और एल टू दोनों का एडिशन हो चुका है मतलब दोनों बेसिकली यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी है ठीक है एडिशन का मतलब मैं सिर्फ सिंपली ज्वाइन की बात कर रहा हूँ ठीक है लाइक एट प्लस टू टेन नहीं कह रहा हूँ ओके okay, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बाई द वे ये चाह रहा था कि जो आपके पास में एल थ्री है ठीक है एल थ्री में एल वन प्लस टू हो जाए एल वन प्लस टू का मतलब क्या हो गया आप या तो ये सोच सकते हैं कि एट प्लस टू सेवन प्लस टू नाइन प्लस टू फोर प्लस टू ठीक है सपोज कि मैं यहाँ से इस लिस्ट को हटा देता हूँ आपको एक कन्फ्यूज कर रहा होगा ठीक है मैं यहाँ से लिखता हूँ एट तो ये आप शायद ऐसा भी सोच तक सकते हैं कि एल थ्री में क्या होगा आपके पास पहले स्टोर हो जाएगा एट प्लस टू यानी कि टेन सेवन प्लस टू यानी कि नाइन नाइन प्लस टू यानी कि इलेवन और फोर प्लस टू इक्वल्स टू सिक्स और फिर वो सारी वैल, नई वैल्यू दिखाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच लें कि एट सेवन नाइन फोर और टू लास्ट में ऐड हो रहा है तो ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों ये ध्यान रखिएगा अगर आप लिस्ट में ज्वाइन करें तो दोनों की दोनों आपके पास लिस्ट होनी चाहिए यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं एक है आपके पास लिस्ट और दूसरा आपके पास क्या है इंटीजर जो नहीं हो सकता ठीक है प्लस ऑपरेटर क्या करता है कॉन्केटनेशन का, का काम करता है तो यहाँ कॉन्केटनेशन नहीं हो रहा है ओके ये शायद समझ में आ गया होगा आपको कि आप यहाँ पर दोनों ही टाइप क्या लेने पड़ेंगे आपको लिस्ट ही होने चाहिए दोस्तों लेकिन अगर आप यहां पर ये यह मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया रिपीटेशन मतलब ये क्या करेगा एल वन की जो वैल्यू है एट सेवन नाइन फोर उसके बाद वापस इसी को दूसरी बार रिपीट कर देगा तो एल थ्री को जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा एट सेवन नाइन फोर एट सेवन नाइन फोर देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है ठीक है आपको समझ में आई क्या होगा इन केस दोस्तों मैं अगर यहां पर फाइव करता हूं तो ये क्या करेगा पांच बार रिपीट करा देगा मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी एट सेवन नाइन फोर वापस से एट सेवन नाइन फोर फिर से 8794 इस तरीके से आपका चलता जाएगा ठीक है तो ये मल्टीप्लाई का जो सिंबल लेते हैं वो क्या करता है रिपीटेशन का, का काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद दोस्तों हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग ट्रेवर्सल है तो ट्रेवर्सिंग में आपको बता चुका था ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देना जैसे अपन ने अभी लिखा भी था मैं लिख देता हूँ फॉर आई एन एलवन ठीक है एलवन में जो भी वैल्यूज है वो सब आपको प्रिंट कराना है तो आप करा सकते हैं मैं लिख देता हूँ सिंपल आई तो एक एक करके वो सारी वैल्यूज अपनी प्रिंट हो जाएगी ठीक है ये भी सिंपल था आपके पास आप दोस्तों दो लिस्ट को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते क्योंकि नेक्स्ट अपना टॉपिक वही है एक एलवन है एक एल टू है एल टू में दोस्तों मैं लिख देता ठीक है मैं यहाँ पर कंपेयर करना चाह रहा हूँ दोनों लिस्ट को मैं लिख देता हूँ प्रिंट और प्रिंट में लिख देता हूँ एलवन इक्वल्स टू इक्वल्स टू एल टू क्या दोनों लिस्ट बराबर है मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ ट्रू है अगे okay, मैं इसमें चेक करना चाह रहा हूँ इस ग्रेटर देन मैं चेक करता हूँ ये बोलता है फॉल्स नहीं है क्योंकि एक्चुअल दोनों बराबर है अगे okay, दोस्तों मैं यहां पर एटीन कर देता हूँ इसको मैं सेवनटीन कर देता हूँ इसको मैं नाइनटीन कर देता हूँ इसको मैं फोर्टीन कर देता हूँ ठीक है मैं इसी को या एक काम करता हूँ इसको भी हटा देता हूँ एक बार इसको भी हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ ठीक है मैं अगर ये चेक कर रहा हूँ एलवन एल टू से बड़ा है क्या तो ये क्या करेगा सबसे पहले इस एलिमेंट को चेक कर रहा है एट को एटीन से यही पता चल गया कि अगर है तो फिर वो आगे नहीं जाएगा ठीक है अपन एक काम करते हैं इसको एक बार चला के देखते हैं क्या दे रहा है आपको फॉल्स यही पता चल गया कि नहीं है ओके okay. अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये यह होता ठीक है मैं इसको एट करके इसको एटीन कर देता हूँ इसको सेवनटीन कर देता हूँ देन इसको नाइनटीन कर देता हूँ और इसको मैं फोर्टी कर देता हूँ इस केस में क्या हो रहा है अब देखेंगे ट्रू इसका मतलब क्या है एल वन से बड़ा है क्या तो आपने इसको चेक करा एल को इससे इससे ठीक है कंपेयर किया बड़ा है क्या यहां से दोस्तों अगर आपको पता चल रहा है बड़ा है तो फिर वो आगे आपको ट्रू अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा खैर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन 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 लेस लेस ग्रेटर इक्वल्स 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 टू 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 डबल इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी यानी कि एक्सक्लिमेशन सिंबल के बाद इक्वलिटी को भी यूज कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो अपने पास कंपेयर कंपेरिजन ऑपरेटर है ठीक है जो अपने पास रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ बात करने वाले लास्ट जो टॉपिक है अपने पास उसका नाम है ट्रू कॉपी देखिए मैंने एक L1 बना दिया है उसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ L2 टू इक्वल्स टू एलवन ठीक है अगर हम लोग यहां पर प्रिंट करते हैं L1 को तो ये क्या कर देगा L1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा और अगर अपन यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं L2 को तो L2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा अब देखें 18 17 9 4 18 17 9 4 दोनों आपके पास प्रिंट कर रहा है लेकिन दोस्तों अगर बाय द वे मैं यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ एलवन की वैल्यू एलवन इक्वल्स टू ठीक है एलवन इक्वल्स टू मैं कर, या मैं लिख देता हूँ एलवन ऑफ मैं करता हूँ टू इक्वल्स टू फिफ्टी एलवन का टू कौन सा है दोस्तों ये वाला नाइन की जगह फिफ्टी हो जाएगा ठीक है अपन एक काम करते हैं इसको चेक करते हैं एलवन में चेंज हुआ है क्या बिल्कुल हो चुका होगा देखें आप ठीक है अगर दोस्तों इसके बाद मैं एल को भी प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट करेगा आपके हिसाब से शायद वो इस वाले में क्योंकि चेंज किस में हुआ है आपने एल में तो ये शायद आपके हिसाब से प्रिंट करना चाहिए था 18, सत्रह नौ और चार ये अपने लिखा था और यही कि यही वैल्यू अपने पास यहाँ L2 में भी तो आई थी अब जब आपने इसको यहाँ पर नौ की जगह आपने जो चेंज किया था ठीक है क्या कर दिया था आपने इसको 50 तो ये 50 आनी चाहिए और इसी तरीके से ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू यही तो थी ठीक है आपने लिख दिया था नाइन और फोर लेकिन दोस्तों ये हुआ क्या है कि जो आपने लिस्ट बनाई थी इस लिस्ट का नाम जो आपने रखा है वो था एल वन और साथ साथ में आपने इसका नाम क्या रख दिया है उसी का उसी का नाम आपने रख दिया है एल टू इसका इस लाइन का मतलब है एल टू जो है वो एल वन वाली लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है तो एल वन और एल टू एक को ही पॉइंट कर रहे हैं इस वजह से जब आपने चेंज किया है एल वन के टू की वैल्यू फिफ्टी तो जब आप एल वन को प्रिंट करोगे दोस्तों प्रिंट कराए फिफ्टी और ऐसी जब आप एल टू को प्रिंट करोगे तो दोस्तों ये भी प्रिंट करेगा फिफ्टी ठीक है आप देख रहे होंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो गई आपके पास फिफ्टी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कॉपी तो हुई नहीं है ट्रू कॉपी नहीं हुई है इसने क्या कर दिया है इसका एक नया लेबल बना दिया है L1 का L2 के नाम से आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत है ये नहीं करना है आपको ठीक है अब हम लोग क्या करने वाले हैं ये जो L1 अपना बना है अब अपन क्या करते हैं कॉपी बनाते हैं दोस्तों कॉपी बनाने के लिए आपके पास तीन अलग अलग तरीके होते हैं आप यूज कर सकते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है कॉपी एक फंक्शन जिसका नाम है लिस्ट देखिए मैं एक फंक्शन यूज करता हूं एल टू इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एल वन ठीक है अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं चेंज कर देता हूं एलवन की वैल्यू को ठीक है L1 के 2 की जो वैल्यू है वो मैं करता हूँ 50 अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ यानी चेंज हो जाने के बाद L1 और ऐसे ही मैं लेता हूँ L2 एक काम करते हैं पहले प्रिंट करने से चेंज करने से पहले भी अपन एक बार वैल्यू देखते हैं पहले अपने पास आएगा अठारह सत्रह नौ चार उसके बाद अपन ने चेंज कर दिया तो आपके पास एटीन सेवनटी ठीक है सेवनटीन के बाद फिफ्टी और उसके बाद फोर ये अपन ने जब चेक करा तो इसमें चेंज हो जाना चाहिए और L2 में चेंज नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि L2 के अंदर L1 की कॉपी आ गई अगर कॉपी आ चुकी है अब अगर आप L1 में चेंज करते हैं तो L2 में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए वो है एक्चुअल कॉपी तो आप देख रहे होंगे ओरिजिनल वैल्यू ये थी फिर मैंने चेंज करा तो ये आपके पास L1 है और L2 वापस ओरिजिनल वही है जो कि आपने पहले रखी थी तो ये एक्चुअल में ट्रू कॉपी बन गई है दोस्तों कॉपी बनाने का आपके पास एक तरीका तो ये था एल टू इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एलवन इसी तरीके से दोस्तों अपने पास एक और तरीका भी होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर कॉपी बना सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है आप यहाँ जाकर के लिखते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है कॉपी तो आप किसकी कॉपी बना रहे हैं एलवन डॉट कॉपी बस आपको ये लिखना होगा इससे भी आपके पास एक कॉपी बन जाएगी जो कि एलवन और एल टू की है फिर आप L1 में चेंज करें आप प्रिंट करके देखेंगे तो L1 की वैल्यू आएगी और उसके बाद अगर आप जाके देखेंगे L2 तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू ही आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो कॉपी बनाने का आपके पास एक तरीका मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया था आप जा करके लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा था मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ठीक है मैं लिख देता हूँ एल इसको और इसका नाम कर देता हूँ मैं एल ठीक है तो मैं क्या लिख सकता हूँ एल L2. L2 के बाद मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर इक्वल्स टू और फिर क्या लिख दूंगा यहाँ पे लिस्ट और उसमें क्या लिख रहा था मैं L1 तो L1 की कॉपी आपके पास बन रही है L2 में और ऐसे ही आप L1 की कॉपी बना रहे हैं L3 में आप L1 की वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं L1 को प्रिंट करके देखेंगे तो आपने L1 में चेंज किया इसलिए वो आपको अपडेटेड वैल्यू दिखेगी L2 ये रहा जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और L3 इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे ठीक है तो ये समझ में आ गया होगा तीसरा आपके पास लास्ट एक और तरीका है कि आप एक, एक एक एलिमेंट को भी उठा सकते हैं जैसे मैं दोस्तों यहां पर क्या कर देता हूं एक वेरिएबल बना देता हूं उसका नाम रख देता हूं एल फोर एल फोर जो है आपके पास क्या एक टाइप की लिस्ट है इसको देख के समझ में आ जाएगा एल फोर क्या आपके पास एक टाइप की लिस्ट है मैं प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको टाइप क्या है एल फोर का ठीक है एल फोर का टाइप है आपके पास लिस्ट आप देखें सबसे लास्ट में लिस्ट है ठीक है अब जो आपने लिस्ट बना दी है आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर एक एक एलिमेंट जो भी है वो सब इसमें आकर के स्टोर हो जाए तो इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट्स को आप उठाएंगे लिस्ट की और इसमें स्टोर कर देंगे दोस्तों आपके पास एक फॉर लूप होता है जिसके थ्रू आप एक एक एलिमेंट्स उठा सकते हैं जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एक्स या आई ले लेता हूँ जैसे अपने ट्रेवर्सिंग में देखा भी था फॉर आई इन क्या लिखेंगे आप एल वन इससे एल वन की एक एक एलिमेंट्स को आप उठाएंगे और वो आप आई में स्टोर करते जाएंगे अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ स्टोर करना है किसमें एल फोर में तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीधे L4 के अंदर उसके एक एक एलिमेंट्स को डाल सके इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसका नाम है अपेंड ठीक है और अपेंड के अंदर जाकर के आपको लिखना होगा जो आपका L1 है ठीक है L1 और L1 का जो आपके पास i i मतलब क्या है बेसिकली उसकी जो वैल्यूज आपके पास थी आप ऐसा भी कर सकते हैं आप यहां पर जो भी आपके पास i में आ रहा है वो आप यहाँ स्टोर करना चाहें आप ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है आप एक काम करें एक बार इसी को देखते हैं हम लोग और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ प्रिंट कर लेते हैं जैसे प्रिंट था आपके पास मैं कर देता हूँ एल फोर ठीक है तो जो i के पास वैल्यू आएगी एक एक करके वो आप यहाँ पर ले सकते हैं खैर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ चलाता हूँ अब देखिए एल फोर के अंदर आप एल वन की वैल्यू ले रहे हैं तो वो अपडेटेड वैल्यू है फिफ्टी वाली वो ही इसके अंदर आनी चाहिए आप रन करें यहाँ पर एक ब्रैकेट शायद मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है अपेंड का इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ आप सेव करें रन करें आप देखेंगे 18, 17, 50, 4 जो पहली वैल्यू थी वही वापस इसमें आई है, है, ठीक में भी। मतलब आप यहां पर जो है, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लेकर के आप इसमें स्टोर कर सकते हैं समझ में आ चुका होगा दोस्तों क्लास इलेवेंथ आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के फंक्शंस को लेकर के लिस्ट मैनिपुलेशन चैप्टर में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट क्या होती है लिस्ट को किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं उसका ट्रेवर्सिंग जो पार्ट है वो हम लोग देख चुके थे बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद आज हम बात करेंगे लिस्ट के फंक्शंस यानी कि लिस्ट के मैथड्स दोस्तों हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शंस आपको पहले से अवेलेबल करवाए जाते हैं जैसे अगर आप सी में करेंगे तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शन है ऐसे ही सी प्लस प्लस में जावा में पाइथन में पीएचपी में हर लैंग्वेज आपको बहुत सारे इनबिल्ड फंक्शन रेडीमेड फंक्शंस आपको अवेलेबल कराती है तो जैसे आप यहाँ पर स्ट्रिंग को आप यूज करते हुए कुछ फंक्शन अप्लाई करवा सकते हैं ऐसे ही आप यहाँ पर टपल्स को या लिस्ट को या फिर डिक्शनरी को भी यूज करते हुए कुछ फंक्शंस अप्लाई करवा सकते हैं तो आज हम लोग बहुत सारे फंक्शन डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे फंक्शन काम किस पे करने वाले हैं अपने लिस्ट के ऊपर तो अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है अपने पास लिस्ट फंक्शंस अब बहुत सारे फंक्शंस हैं पहला फंक्शन अपन डिस्कस करें लेन और ये फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले भी जैसे अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूं एल इक्वल्स टू और इसमें जाके लिख देता हूं सेवन कॉमा एट कॉमा नाइन कॉमा फाइव कॉमा टू अगर मेरी एक लिस्ट इस टाइप की है

ठीक है इसमें कितनी वैल्यू है मेरे पास तो आप काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये चेक करने के लिए आप क्या यूज करते हैं फंक्शन है लेन आपको जाके लिखना पड़ेगा आप लिखेंगे एल इक्वल्स टू एल जो भी वेरिएबल है तो ये क्या है दोस्तों आपको यहां पर मैं एक्स लिख देता हूं एक्स नाम की वेरिएबल में लेता हूं एक्स इक्वल्स टू लेन ऑफ एल तो ये एक्स के अंदर क्या पास कर देगा इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सपोज की फाइव ठीक है इस तरीके से हम यहां पर एक लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो क्या है लेन

काम करता है इसके साथ साथ अगर आप दोस्तों इस लिस्ट फंक्शन के अंदर ठीक है इस लिस्ट फंक्शन के अंदर सपोज आप कोई टपल या कोई दूसरी लिस्ट भी पास करते हैं तो ये क्या करेगा इस टपल को या यहां पर जो भी आपने सिक्वेंस पास किया है इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके एल नाम की वेरिएबल में स्टोर कर सकता है ठीक है तो ये लिस्ट फंक्शन क्या काम करता है इट रिटर्न लिस्ट ये यहां से जो भी आर्ग्यूमेंट पास किया गया है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके लेफ्ट साइड की वेरिएबल में असाइन कर देगा इट रिटर्न लिस्ट पासड आर्ग्यूमेंट विच शुड बी सेम टाइप ठीक है ये सेम टाइप का मतलब क्या है आपके पास में ये स्ट्रिंग हो सकती है लिस्ट हो सकती है और ट्रपल हो सकती है मतलब ये आपके पास में एक सिक्वेंस हो सकता है ठीक है इफ नो आर्ग्यूमेंट इज पास अगर आपने इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो इस केस में ये इसको क्या बना देगा एक एम टी लिस्ट ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसे ही एक और फंक्शन है आपके पास इंडेक्स अब देखिए दोस्तों मेरे को अगर यहां पर ये यह चेकआउट करना है कि इस लिस्ट में जैसे कि मेरे पास यहाँ एक लिस्ट है इस लिस्ट में मुझे यह देखना है कि फाइव कहां पर है ठीक है तो ये क्या कर देगा ये इसका इंडेक्स बताएगा जीरो वन टू थ्री इस थ्री पर यह आपके पास फाइव एलिमेंट रखा हुआ है इसी टाइप से अगर आपके पास एक ऐसी लिस्ट होती जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सपोज फाइव थ्री एट टू फाइव नाइन सेवन सिक्स ऐसा कुछ है तो मैं यहां पर यह देखना चाह रहा था इस इस लिस्ट के अंदर आपका फाइव कहाँ पर एग्जिस्ट होता है पांच कहां पर आ रहा है तो ये देखने के लिए मैं क्या फंक्शन यूज करूंगा इंडेक्स तो मैं लिख सकता हूं एल डॉट इंडेक्स ऑफ फाइव ठीक है आप क्या लिख सकते हैं एल डॉट इंडेक्स अगर आपके पास में एक लिस्ट है और इसमें आपको यह ढूंढना है five, तो ये क्या करेगा द द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अब देखिए पांच जो है वो इधर भी आ रहा है और ये सॉरी इधर भी आपके पास आ रहा है ठीक है यानी कि ये फाइव आपके पास जीरो इंडेक्स पे भी है और ये फाइव आपके पास फोर इंडेक्स पे भी है तो ये कौन सा इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा जो सबसे पहले आता है ठीक है तो हो सकता है आपके पास एक लिस्ट में एक से ज्यादा आपके पास सेम टाइप की वैल्यू आपके पास हो सकती है लेकिन जो सबसे पहली वैल्यू है वो आपको यहां पर दिखाएगा फंक्शन इंडेक्स उसका इंडेक्स बताएगा इसी टाइप से आपके पास एक फंक्शन है यहां पर एक्सटेंड और एक फंक्शन है आपके पास अपेंड अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपके पास एक लिस्ट है इस लिस्ट में आपने ऐड कर रखा है सेवन एट नाइन फाइव ऐसे अगर इसमें एक और एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं बाद में ठीक है जैसे कि थर्टीन तो लास्ट में अगर आप यहां पर एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं अपेंड तो अपेंड क्या करता है एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट और अगर आप चाहते हैं एक और अलग टाइप की लिस्ट बना रखी है मैंने जिसमें लिख रखा है सपोज सेवन एट फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव

कि जो एक्सटेंड है और जो अपेंड है वो कहां पर ऐड होता है हमेशा एंड साइड में लेकिन अगर आप बीच में ऐड करना चाहते हैं कहीं पर तो फिर आप एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इंसर्ट ठीक है तो इसी को अपन थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सपोज कि दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट है ठीक है मेरे पास एक लिस्ट है लिस्ट का नाम है एल सपोज और इस लिस्ट में लिखा था सेवन कॉमा एट कॉमा फाइव अब मुझे क्या करना है इसके लास्ट में एक और ऐड करना है तो क्या लिख दूंगा एल डॉट अपेंड ठीक है एल डॉट अपेंड और इसमें मैं पास कर देता हूं इस ब्रैकेट के अंदर सपोज एट तो ये क्या कर देगा इसके लास्ट में जाकर के एक और एलिमेंट एट जो है वो इसके अंदर एड कर देगा ठीक है कौन करेगा अपेंड अगर सपोज मेरे पास एक और एलिमेंट है एल वन जिसकी वैल्यू ये है ठीक है तो मैं क्या लिखता हूं इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे आप एल वन इक्वल्स टू सेवन कॉमा एट कॉमा फिफ्टीन कॉमा ट्वेंटी फाइव और आप चाहते हैं ये इसके पीछे ऐड हो जाए तो इस केस में आप क्या लिखेंगे एल डॉट एक्सटेंड और इसमें क्या लिख देंगे आप ये वाली वेरिएबल तो इससे क्या होगा ये एक्सटेंड मतलब इसके एल वन जो है वो एल के लास्ट में यहां आकर के वो सब एलिमेंट्स आपके एड हो जाएंगे जैसे सेवन एट फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव इसी टाइप से अगर दोस्तों आप ये चाहते हैं कि इसके बीच में कहीं कोई एलिमेंट आपको ऐड करना है जैसे मैं लिखता हूं एल ठीक है तो एल इक्वल्स टू मैंने लिखा है सपोज लिख टू पे जैसे आपको पता होगा इसका इंडेक्स नंबर जीरो है ये वन है ये टू है अब मैं ये चाहता हूं इस टू पर मुझे कुछ और वैल्यू ऐड करनी है तो ये हो जाएगा अब बाद में थ्री ये हो जाएगा आपके पास में फोर टू पर मैं जो मुझे कुछ ऐड करना है अभी तो टू पर आपके पास क्या है 15 है तो अगर मैं चाहता हूं यहां कुछ और ऐड करना तो क्या लिख दूंगा इंसर्ट ठीक है एक फंक्शन है आपके पास l.insert ठीक है इस इंसर्ट में आप दो चीजें बताते हैं एक तो पोजीशन और एक यहां पर बताएंगे आप वो एलिमेंट तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 2, सपोज कि 15 15 अगर ऑलरेडी है तो आप लिख सकते हैं 2, 18 ठीक है तो यहां क्या कर देगा ये सेकेंड पोजिशन पे एड एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजिशन जो भी आप एक एलिमेंट एड करना चाहते हैं वो आप एक फिक्स लोकेशन उसकी पोजिशन या उसका इंडेक्स बता करके उसमें आप एड कर सकते हैं ठीक है किसके थ्रू इंसर्ट के थ्रू इसके बाद दोस्तों जैसे इन सब के थ्रू आप क्या करते हो यहाँ पर एड कर रहे हो इंसर्ट कर रहे हो अगर आप चाहते हो इसमें से कुछ हटाना है तो आप पॉप है रिमूव है और क्लियर फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं पॉप क्या करता है दोस्तों ये जो आपके पास एक लिस्ट है इस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या करेंगे पॉप और अगर आप चाहते हैं कि एक फिक्स पे जैसे इसको हटाना है ठीक है लास्ट में नहीं तो फिर आप इस पॉप के बीच में एक पोजीशन भी बता सकते हैं जैसे आप ये लिखना चाहते हैं इसका नाम है सपोज अपने पास एलवन तो मैं क्या लिखूंगा एलवन डॉट पॉप अगर आप ये लिखेंगे तो ये क्या कर देगा दोस्तों ये लास्ट वाले एलिमेंट को यहां से हटा देगा लेकिन अगर आप यहां जाके लिखते हैं एल वन डॉट और इसमें आप वो लोकेशन बता देंगे उसका इंडेक्स ठीक है तो ये क्या कर देगा पॉप ये रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजिशन यानी कि अगर आप यहाँ वन लिख रहे हैं तो इंडेक्स नंबर वन पे जो वैल्यू आपके पास है वो यहां से ये हटा देगा ठीक है ओके इसी टाइप से अगर सपोज आपके पास एक और लिस्ट अगर मैं बात करता हूं जैसे सेवन एट फाइव नाइन एट सिक्स ऐसा कुछ है अब मैं इसमें से ये जो एट लिखा हुआ है वो हटाना है देखो एक मैं कह रहा था सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हटाना है पॉप मैं एक कह रहा था बीच में से हटाना है फाइव वाला तो उसका इंडेक्स बता दो जीरो वन और टू लेकिन मैं चाहता हूं वो वैल्यू जो आठ लिखी हुई वैल्यू है वो हटानी है इंडेक्स नहीं है मेरे को पता मेरे को तो वो वैल्यू हटानी है तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो रिमूव ये क्या करेगा रिमूव द फर्स्ट आइटम विद स्पेसिफाइड वैल्यू यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा अगर इसका नाम सपोज वन है तो आप क्या लिख देंगे एल वन डॉट और फंक्शन का नाम क्या है आपके पास रिमूव ऑफ एट तो जहां भी आपके पास सबसे पहले एट आएगा इधर है क्या नहीं है इधर है क्या हाँ है ये इसको डिलीट कर देगा आगे वाले एट को नहीं करेगा जो सबसे पहले आपके पास अकर हो रहा है सबसे पहला जो एट आ रहा है उसको ये यहाँ से रिमूव कर देगा ठीक है इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जिस लिस्ट में आपने बहुत सारी वैल्यू लिखी है फाइव नाइन एट थ्री सिक्स इन सभी को एक साथ हटा रहे देखिए लास्ट वाले को हटाना है तो आपके पास क्या था पॉप ठीक है पॉप फंक्शन आपको बीच में से कोई हटाना था आपने लिख दिया पॉप ऑफ सपोज टू तो वो इंडेक्स नंबर टू को डिलीट कर देगा आप चाह रहे थे वो पर्टिकुलर वैल्यू जैसे थ्री हटानी है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं रिमूव इस रिमूव में आप थ्री लिख देंगे तो जहां पर तीन लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देगा लेकिन अगर आप इन सभी को हटाना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे क्लियर ठीक है तो क्लियर फंक्शन क्या कर देगा रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इसी तरीके से अगर आप ये काउंट करना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है अब देखिए अपन ने एक देखा था लेंथ अगर मैं लिखता हूं फाइव नाइन फाइव फोर अब मेरे को यह देखना है इसमें पांच कितनी बार आ रहे हैं तीन बार इसमें चार कितनी बार आ रहा है एक बार इसमें नौ कितनी बार आ रहा है एक बार ये अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट स्पेसिफाइड वैल्यू जो वैल्यू आप बोल रहे हो वो वैल्यू टोटल आपके पास कितनी बार आ रही है तीन बार तो ये रिटर्न क्या करेगा वो नंबर ऐसे ही अगर आपके पास एक लिस्ट है इस लिस्ट में आपने लिख रखा था फाइव थ्री नाइन एट सेवन और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं अगर एल को तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर सपोज मैं जाके लिख सकता हूं प्रिंट ऑफ एल ऐसा लिखने पर ये फाइव थ्री नाइन एट सेवन डिस्प्ले करेगा लेकिन दोस्तों मैं इसको उल्टी साइड से प्रिंट करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पर एल डॉट रिवर्स ठीक है क्या लिख दूंगा मैं एल की जगह यहां लिख दूंगा प्रिंट है ठीक है और प्रिंट में क्या लिख दूंगा एल की जगह एल डॉट रिवर्स फंक्शन यूज कर दूंगा रिवर्स फंक्शन क्या काम करेगा ये इन्हीं वैल्यूज को जैसे अपन अभी जो देखा था अगर लिखा था सेवन एट नाइन फाइव तो ये प्रिंट क्या करेगा फाइव नाइन एट सेवन रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा ठीक है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट ऐसे ही अगर आप दोस्तों ये चाहते हैं कि ये जो आपकी लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाए तो आप क्या लिखेंगे फाइव सेवन एट नाइन ये है इसका एक्चुअल सॉर्टिंग। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और अगर आप डिसेंडिंग भी करना चाहें तो डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा नाइन एट सेवन फाइव ये है आपके पास में असेंडिंग और डिसेंडिंग इसको आप कहेंगे असेंडिंग ये है आपके पास डिसेंडिंग तो देखिए एक है आपके पास फंक्शन सॉर्ट और एक फंक्शन है सॉर्टेड सॉर्ट sort क्या करता है इस लिस्ट को सॉर्ट करता है जबकि सॉर्टेड क्या करता है द सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न्स अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द स्पेसिफाइड इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब ये सॉर्ट नहीं करता है ये उस लिस्ट को लेता है फिर उसका एक सॉर्टिंग जो है कॉपीक बनाता है और वो आपको कॉपी भेजता है ओरिजिनली चेंज नहीं होता है अगर आप ओरिजिनली चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं l.sort इससे क्या हो जाएगा आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी और अगर आप ये चाहते हैं कि ये लिस्ट सॉर्ट नहीं हो ठीक है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं आप लिखेंगे एल वन इक्वल्स टू और आप लिख सकते हैं सॉर्टेड ठीक है तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर जो आपके पास एल वन था ठीक है एल जो था इसके अगर मैं कहूं तो मैं लिख सकता हूं एल वन इक्वल टू एल डॉट सॉर्टेड इस तरीके से आपके पास ये जो एल है एक जो लिस्ट है उस लिस्ट का एक क्या करेगा ये उसकी एक कॉपी बनाएगा और उस कॉपी को सॉर्ट करके आपको असाइन कर देगा ठीक है इसी तरीके से दोस्तों कुछ और फंक्शन है मैक्स है मिन है सम है ये फंक्शन जो है बेसिकली काम कब करेंगे अगर आपकी लिस्ट में क्या है एक नंबर है जैसे सेवन एट फाइव टू पे तो ये मैक्स मिन सम काम करेंगे और अगर आपके पास एक लिस्ट ऐसी है जिसमें आपने स्टोर कर रखा है ए बी या फिर आपने किसी का नाम सपोज कि आपके पास कोई नाम था रवि इस तरीके से अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग में मैक्स मिन या फिर सम जो है वो आपको क्या दे देगा आपको दे देगा एक एरर ठीक है तो ये फंक्शन क्या करेगा रिटर्न आइटम फ्रॉम द लिस्ट विथ मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ एलवन डॉट मैक्स तो ये इसका सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वो दे देगा अगर मैं लिखता हूँ एलवन डॉट मिन तो ये क्या करेगा करेगा सबसे छोटे नंबर आपको दे देगा और अगर मैं लिखता हूं यहां पर सम ऑफ लिस्ट ठीक है तो आपने जो भी इसके अंदर लिस्ट पास करी मैक्सिमम ऑफ यहां अपन लिख सकते हैं मैक्स ऑफ एल यहां लिख सकते हैं मिन ऑफ एल या फिर लिख सकते हैं सम ऑफ एल अगर आपके पास ये जो लिस्ट थी ठीक है ये जो लिस्ट थी जैसे कि सेवन एट फाइव और फोर इसमें लिखा हुआ था एल नाम का तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे रहा था इसका मैक्स यानी ये क्या दे रहा था एट ये क्या दे रहा था आपको सपोज कि ये आपको दे रहा था यहां से फोर

क्या कर देगा कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा तो यही था आपके पास लिस्ट जो कि कन्वर्ट करता है और एक फंक्शन है, आपकी जो, आपकी जो है, है इस लिस्ट की एक कॉपी बना करके एल वन में या एल टू में जो भी आप देंगे उसमें उसको स्टोर कर सकता है तो रिटर्न कॉपी ऑफ द लिस्ट किसी भी लिस्ट की एक कॉपी बना करके आपको देगा कॉपी फंक्शन दोस्तों लिस्ट क्या होती है हम अच्छे से जानते हैं हमने लिस्ट बना के देख रखी है लिस्ट मतलब एक डेटा टाइप है पाइथन का जिसके अंदर दोस्तों हम लोग सेम या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं जैसे दोस्तों हम लोग चाहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करना तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें सारे नंबर स्टोर कर सकते हैं जैसे कि सारे के सारे फ्लोट हो या फिर सारे के सारे इंटीजर हो इसी टाइप से दोस्तों आप अगर कुछ स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू करके आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोर्ट्स में आप अपनी स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों आप मिक्स केस भी अगर लेना चाहते हैं यानी कि जिसमें स्ट्रिंग भी हो जिसके अंदर आपके पास टपल भी हो जिसमें आपके पास पास में इंटीजर भी हो फ्लोट भी हो तो आप वो भी ले सकते हैं मतलब सेम टाइप भी हो सकता है और अलग अलग टाइप भी आपका हो सकता है अब देखिए दोस्तों जब अपन एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उस लिस्ट में हमको बहुत सारे काम करने होते हैं जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है लेंथ इसी टाइप से अगर दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है और आप एक्सटेंड कर सकते हैं उस लिस्ट को अगर आप एक लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट फंक्शन भी है इसी तरीके से एक लिस्ट जिसको खुद सॉर्ट नहीं करना है मतलब आपको उसका सॉर्टेड रिजल्ट किसी दूसरी वेरिएबल में चाहिए तो आप सॉर्टेड फंक्शन यूज कर सकते हैं एक न्यूमेरिक वैल्यूज की अगर लिस्ट है तो दोस्तों आप उसके अंदर मिनिमम फंक्शन यूज कर सकते हैं मिन तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी मैक्स फंक्शन के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं सम फंक्शन के थ्रू जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन सभी का सम ले सकते हैं अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं दोस्तों आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं आप अगर डिलीट करना चाहते हैं आप पॉप यूज कर सकते हैं कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं अपनी लिस्ट को मतलब पूरा एम करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्लियर मैथड को भी या क्लियर फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे हमको एक इंडेक्स देखना है जैसे हमको काउंट देखना है तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं एक बार आइडियली शुरू कर देते हैं आइडियली जैसे आप यहाँ पर शुरू करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे एक नई फाइल बना देंगे कंट्रोल प्लस एन और दोस्तों मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ किसी भी लोकेशन पे डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर सपोज एक डेमो नाम की फाइल बना के में सेव कर देता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूँ आप लिख देंगे इक्वल्स टू और इस ब्रैकेट में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे फाइनली आपकी लिस्ट बन चुकी है इसमें वैल्यू पास कर दे तो वो वैल्यू भी आपकी स्टोर हो जाएगी मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ दोस्तों जिसमें मैं कुछ नंबर यहाँ स्टोर करना चाह रहा हूँ ठीक है इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले ली है फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर कर देंगे ठीक है और ऐसे ही मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ लेता जा रहा हूँ अब दोस्तों इसके अंदर मेरे को ये चेकआउट करना है कि जो मेरे पास लिस्ट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो इसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है लैन लैन फंक्शन के अंदर आपको पास कर देना है आपकी वेरिएबल जो भी आपके पास जिसमें लिस्ट पड़ी है वो अगर आप पास कर देंगे दोस्तों तो लैंड फंक्शन क्या करेगा ये रिटर्न करेगा आपको कुछ वैल्यू मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आपके पास कितने हैं आप उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेंथ ठीक है मैं एक लेंथ नाम की वेरिएबल में लैंड फंक्शन डाल करके एल यहाँ पास करता हूँ इस एल का मतलब क्या है ये सारी की सारी वैल्यूज ठीक है और वो कितनी वैल्यूज है लैंड फंक्शन बताएगा काउंट करके शायद वो दस है शायद वो बारह है शायद वो पंद्रह है जो भी और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं ठीक है मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ लेंथ जो वेरिएबल आपने बनाई थी जिसमें लेंथ आ रही है आप उसको सेव कर दें दोस्तों देखेंगे आप इसमें टोटल 19 एलिमेंट्स आपने इसमें ऐड किए हैं आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं टोटल 19 एलिमेंट्स आपके पास आ चुके हैं तो दोस्तों लैन एक फंक्शन है ठीक है मैं यहाँ एक कमेंट कर देता हूँ अभी हमने जो डिस्कस किया है कौन सा फंक्शन था लैन फंक्शन ये आपको समझ में आ गया होगा इसी टाइप से दोस्तों अगर हम यहाँ पर ठीक है लैन के बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ एक फंक्शन और यूज करेंगे जिसका नाम है लिस्ट ठीक है एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है लिस्ट अब इस लिस्ट फंक्शन में हम लोग कुछ एलिमेंट्स पास कर सकते हैं जैसे मेरे पास सपोज एक टपल है सपोज टी इक्वल्स टू ठीक है और इसके अंदर मैं यहाँ पर जाकर के कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ ऐसे ही कुछ भी वैल्यू आप डालना चाह रहे हैं अब दोस्तों मैं ये चाह रहा था कि ये जो टपल है बेसिकली क्या है आपके पास ये टपल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं टाइप ऑफ टी लिख देता हूँ ये चेकआउट कराने के लिए आपको कि ये आपके पास में ठीक है मैं इसको टी कैपिटल कर देता हूँ अदरवाइज एरर आ जाएगी और इसको मैं यहाँ साथ में प्रिंट भी करना चाह रहा हूँ तो मैं प्रिंट में लिखता हूँ टाइप ऑफ टी जो क्या है आपके पास एक आपके पास है टपल आप देख सकते हैं टपल है दोस्तों इस टपल को अगर आप एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे आप सिंपल सा लिख सकते हैं जैसे मैं एक और लिस्ट बना देता हूं ठीक है जो अपन ने पहले ले ले, रखा है अभी मैं नाम लेता ले हूं यहां पर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे देंगे आप आप लिस्ट और इसमें पास कर देंगे वो वेरिएबल ठीक है वो सिक्वेंस जो आप पास करेंगे उसको फिर वो लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टोर कर देगा तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पर इस बार स्टोर करके उसके बाद वापस से प्रिंट कर देता हूँ सपोज मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ किसको एल वन को तो आप देखेंगे ये भी आपके पास में एक लिस्ट बन चुकी है आप देखेंगे वो पहले था टपल लेकिन बाद में आप देखेंगे इसके ब्रैकेट्स चेंज हो चुके हैं अगर आप जस्ट चेकआउट करना चाह रहे हैं तो फिर से आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं और यहाँ पर मैं एल वन लिख देता हूँ ठीक है एल वन जो है उसका टाइप आपके पास क्या बन चुका है देखें दोस्तों आपके पास ये बन चुकी है लिस्ट ठीक है तो ये भी आपको समझ में आएगा लिस्ट फंक्शन के थ्रू आप लिस्ट बना सकते हैं और अगर आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहते हैं जैसे एल टू इक्वल्स टू आप जाके लिख सकते हैं लिस्ट इससे भी दोस्तों आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी ठीक है एम्प्टी है खाली है इसके अंदर कुछ नहीं है अगर आप चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं एल टू को आप देखेंगे एल टू के अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है वो आपके पास क्या है बिल्कुल एम्प्टी है ठीक है तो लिस्ट फंक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसी तरीके से दोस्तों हम लोग कुछ और भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं तो जैसे मेरे पास नेक्स्ट जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ उसका नाम है मेरे पास इंडेक्स ठीक है एक फंक्शन में ले रहा हूं जिसका नाम क्या है इंडेक्स अब इस इंडेक्स फंक्शन में क्या काम होगा तो इंडेक्स के लिए क्या कर ले दोस्तों अपन ये ऊपर वाला एक बार पूरा डाटा हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे अब इस इंडेक्स के बाद जाकर के हम लोग क्या करते हैं प्रिंट करके देखना चाहते हैं ये देखना चाहता है वो है तो किसकी वैल्यू देखनी है दोस्तों एल नाम की जो वेरिएबल है यानी कि इस लिस्ट में से आपको क्या देखना है आपको देखना है उसका इंडेक्स और इंडेक्स नंबर यानी कि जो भी होगा जहां पर 41 लिखा हुआ है तो 41 वन कहा पर लिखा है वो इंडेक्स आपको दिखाएगा आप सभी को पता होगा कि पहला इंडेक्स जीरो से शुरू होता है लिस्ट में भी टपल में भी स्ट्रिंग में भी उसके बाद वन उसके बाद टू उसके बाद थ्री उसके बाद फोर उसके बाद फाइव हो सकता है दोस्तों आपके पास यहाँ पर भी कहीं पर फिर से फोर्टी वन लिखा है तो ये क्या करेगा जो सबसे पहले आपके पास आपके पास जो फोर्टी वन वैल्यू आएगी उसका इंडेक्स ये आपको डिस्प्ले कर देगा तो यहाँ आपके सामने आया है फाइव ठीक है क्योंकि ये है देन टू देन थ्री देन फोर और उसके बाद आपके पास आया है फाइव फिफ्थ पोजिशन पे मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे आपके पास है फोर वन यानी कि फोर्टी वन आपने यहाँ डाल रखा है तो आई थिंक दोस्तों आपको इंडेक्स भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा इंडेक्स के बाद हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं अपेंड को लेकर के अपेंड का मतलब क्या होता है कि इसके लास्ट में यहाँ अगर आप एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे ठीक है तो इसके लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है अपेंड

एड करेगा मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो ये वैल्यू इंसर्ट करेगा इंसर्ट इन लास्ट अगर लास्ट में आपको ऐड करना है एंड सबसे बड़ी बात क्या है ओनली वन आइटम ठीक है एक आइटम ऐड करना है तो आप क्या यूज करोगे यहां पर अपेंड ठीक है अगर आप यहां पर जाकर के वापस प्रिंट करके देखते हैं अपना एलिमेंट ऐड हुआ है कि नहीं आप इसको रन करेंगे दोस्तों सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर टू आ चुका है ये देखिए आपके पास टू आ चुका है ठीक है तो आप लास्ट में अगर अगर पर पर इस जगह लास्ट में अगर आप ऐड करना चाहते हैं एक एलिमेंट तब तो आप क्या यूज करते हैं अपेंड लेकिन दोस्तों एक से ज्यादा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप यूज करते हैं एक्सटेंड ठीक है तो मैं लिख देता हूं एक्सटेंड अगर एक्सटेंड आप यूज कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे आप कि आपको एक सीक्वेंस पास करना पड़ेगा एक से ज्यादा जो भी एलिमेंट्स हैं मतलब आप इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते पांच कॉमा सात कॉमा आठ कॉमा ऐसे कोई भी वैल्यू आप यहाँ पास नहीं कर सकते अगर आप करते हैं तो एरर आएगी मैं दिखा देता हूं ये देखे आपके पास क्या आ गई एक

बिल्कुल हो रहे हैं ये लास्ट था टू और ये सारे एलिमेंट्स हमने लास्ट में और ऐड कर दिए ठीक है तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या यूज करते हैं यहां पर ठीक है अपेंड और एक सॉरी एक करना चाहते हैं तो अपेंड और एक से ज्यादा के लिए आप यूज करते हैं एक्सटेंड यहाँ लिख देता हूँ इंसर्ट इन लास्ट एंड ठीक है वन और मोर देन एलिमेंट ठीक है वन और मोर देन ठीक है इस टाइप से लिख सकता हूँ मोर देन आइटम लेकिन दोस्तों यहाँ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये कि आपको उसको या तो पास करना पड़ेगा इस ब्रैकेट में लेकिन सबसे अच्छा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ कर सकते हैं सपोज एल टू नाम की एक वेरिएबल बना दें और उसमें आप ये एलिमेंट्स डाल दें और यहाँ जाकर के आप क्या लिख दें एल टू ठीक है तो एल के अंदर एल टू आप पास कर रहे हैं हालांकि ये एलिमेंट्स आपके पास फिर से रिपीट हो जाएगा तो आप देखें यहां पर वो एलिमेंट्स आपके पास जो आपने डाले थे ये टू के बाद ठीक है ये एलिमेंट्स आपके पास यहाँ वापस आ रहे हैं तो ये अपन ने पहले ये लिस्ट बनाई थी इसमें अपन ने लास्ट में एक टू ऐड किया और फिर एक से ज्यादा एलिमेंट आप ऐड कर चुके हो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो जैसे मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं बहुत ज्यादा बड़ी आपके पास ये लिस्ट हो चुकी होगी ठीक है तो मैं ये चाह रहा था कि इसके लास्ट में एक एलिमेंट आना था तो क्या कर दिया आपने अपेंड और एक से ज्यादा एलिमेंट लेने थे तो एक्सटेंड लेकिन हो क्या रहे हैं ये सारे के सारे लास्ट में जाके ऐड हो रहे हैं अगर आप यहाँ बीच में कोई ऐड करना चाहते हैं किसी भी जगह पे तो आप वो भी कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है उसका नाम है इंसर्ट ठीक है तो आप क्या लिख देंगे इंसर्ट के लिए आप लिख देंगे एल डॉट इंसर्ट ठीक है उसमें आप बता देते हैं पोजिशन जैसे आपको ये बताना है ये है जीरो पे ये है वन और इसके बाद मुझे चाहिए टू पे यानी कि सात और आठ के बीच में मैं पोजीशन बता रहा हूँ टू पे चाहिए और क्या स्टोर करना है दोस्तों वो है थर्टीन वैल्यू तो एक आपने क्या बता दी पोजिशन और दूसरा आपने यहाँ पर क्या बता दिया उसकी वैल्यू ठीक है और आप क्या करेंगे इसको कहा स्टोर कर रहे हैं एल के अंदर तो एल डॉट इंसर्ट ये आपको लिखना है और फिर अगर आप वापस जाकर के लिखते हैं एल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं दोस्तों पहले ये एलिमेंट्स आएंगे आपके पास 41 41 के बाद में टू आ जाएगा सपोज एक से ज्यादा आप लेना चाह रहे हैं तो मैं ये एलिमेंट्स लेता हूं यानी कि 41 के बाद आएगा टू टू के बाद आएगा फाइव सेवन एट और उसके बाद आप जब वापस प्रिंट करेंगे तो वहां पर सेकेंड ये ये पोजिशन पर पे आपने किया है किसके थ्रू क्या है अपेंड के थ्रू ये जो ऐड किया, किया, किया है वो किसके थ्रू किया एक्सटेंड के थ्रू और ये जो ऐड किया है बीच में कहीं पर वो किसके थ्रू किया इंसर्ट के थ्रू आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं या फिर बीच में भी कहीं पर आप इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको बाय द वे डिलीट करना है जैसे अपन ने अभी ऐड किया इसी को अगर अपन रन करके देखें तो अपने पास लास्ट एलिमेंट कौन सा है वो है आपके पास एट अगर आप यहां से इस एट को हटाना चाहते हैं सबसे लास्ट एलिमेंट को तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पॉप ठीक है और किस में से हटाना है एल में से तो आप क्या लिख देंगे एल डॉट पॉप और ये क्या कर देगा दोस्तों सबसे जो लास्ट एलिमेंट है जो कि आपने यहाँ एड किया था ठीक है ये वाला एट सबसे लास्ट में एट है तो ये अगर आप वापस जाकर के अगर प्रिंट करते हैं इस बार एल को तो आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो एट है वो वापस रिमूव हो चुका है सबसे लास्ट एलिमेंट को हटाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम क्या है एल सॉरी इस एल में से जो हमने लास्ट में डिलीट किया उसका फंक्शन का नाम क्या आपके पास पॉप पॉप क्या करता है लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ बीच में से कहीं से अगर हटाना चाहते हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन का नाम है रिमूव जैसे ये मैं आपको वापस एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ सेव करके आप देखेंगे यहाँ हमारे पास हमने अभी क्या हटाया था एट लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से इस नाइनटी सिक्स को हटाना चाहते हैं आप इस एट को हटाना चाहते हैं या आप इस सेवन को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक चीज और भी है देखिए एक तो ये हो गया कि आप अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाना चाह रहे हैं जो एट जिस पोजीशन पे है जैसे जीरो पे वन पे टू पे और थ्री अगर मैं थ्री लिख दूंगा पॉप में तो भी दोस्तों वो उसको हटा देगा देखते हैं अपन यहां पर क्या ऐसा हो रहा है मैं इसमें थ्री लिख रहा हूँ आप रन करेंगे आप देखेंगे यहां पर आपके पास जो ये एलिमेंट था लास्ट वाला

अगर आप इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं नंबर पास कर रहे हैं तब तो इंडेक्स है और अगर आप यहाँ से ये यह नहीं बता बताएंगे तो ये लास्ट वाला जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा इसी टाइप से दोस्तों मैं आपको भी कह रहा था रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपको हटाना है जैसे कि मेरे पास इस लिस्ट में अगर अपन देखें ठीक है मैं एक बार वापस एक बार रन करके दिखा देता हूं आपको इस लिस्ट को अगर आप देखें तो दोस्तों यहां पर एट है यहां पर भी आपके पास एक एट है ठीक है और सपोज़ आप लास्ट में भी अगर आप एट लगाना चाह रहे थे तो आप उसको भी ले सकते हैं सपोज़ कि मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ ठीक है पॉप ये तो अपना ही हो चुका था अगर आप लास्ट में फिर देखें तो अपने पास एट शुरुआत में भी है एट बीच में भी है और एट लास्ट में भी है लेकिन मुझे हटाना है एट ठीक है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप यहाँ जाएंगे और रिमूव फंक्शन को यूज़ करेंगे आप लिख देंगे एल डॉट रिमूव ठीक है और इसके अंदर आप कोई वैल्यू बता सकते हैं जैसे आपको किसको हटाना है आठ को ठीक है तो आप क्या लिख देंगे एल डॉट रिमूव एक फंक्शन है और उसके बाद जब आप वापस से प्रिंट ऑफ एल करेंगे तो क्या दिखा रहा है ये देखते हैं दोस्तों इसके पास पहले वैल्यू थी एट सेवन थर्टीन फिर एट अगर आप यहां देखें तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो भी आपके पास वैल्यू एट थी वो डिलीट कर दी लेकिन बाद वाली एट लास्ट वाली एट वो सब है सबसे पहले जो वो एलिमेंट अगर आएगा तो उसको डिलीट करने का काम किसका है रिमूव का अगर आप एक से ज्यादा भी करना चाहते हैं तो फिर आपको लूप लगा करके करना पड़ सकता है ठीक है जब तक आपके पास उसमें एट है तब तक आपका लूप चलता जाएगा जैसे जैसे एक एक एलिमेंट आएगा मतलब सिंपल है ये आप कर सकते हैं ओके okay. इसी टाइप से जैसे आप रिमूव देख रहे थे इसके बाद आपके पास आता है क्लियर अगर मैं लिखता हूँ एल डॉट क्लियर क्लियर क्या काम करता है दोस्तों ये जो आपके पास में वैल्यूज हैं जितनी भी वैल्यूज हैं इस लिस्ट में सबको खाली कर देगा एम कर देगा लिस्ट और लास्ट में आप देखेंगे आपकी एम लिस्ट आएगी मतलब आप अगर एक एलिमेंट हटाना चाहते हैं सबसे लास्ट वाला तो आप क्या यूज करते हैं पॉप अगर आप एक एलिमेंट हटाना चाह रहे हैं बीच में से कोई भी लेकिन उसकी आपको पोजिशन पता है तो आप क्या यूज करेंगे पॉप के साथ पोजिशन बता देंगे अगर आपको यह पता है कि भाई मेरे को एलिमेंट कौन सा डिलीट करना है तो आप क्या यूज कर लेंगे रिमूव और अगर आपको सब डिलीट करना है तो आप क्या यूज कर लेंगे क्लियर जैसे ऐड करने के लिए अपन ने क्या देखा था अपेंड था एक्सटेंड था और इंसर्ट था लास्ट में ऐड करना है एक एक से ज्यादा और बीच में एक अगर आपको ऐड करना है तो इंसर्ट और अगर आपको डिलीट करना है तो पॉप था पॉप में एलिमेंट भी मतलब पॉप में आप इंडेक्स भी बता सकते हो आप रिमूव बता करके उसमें एलिमेंट डाल सकते हो मतलब वैल्यूज बता सकते हो और सबको करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हो खैर इन इनके बाद हम लोग एक काम करते हैं जैसे यहाँ तक अपन ने कर लिया है इसके बाद मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ आप देखते हैं अभी लास्ट अपना कहाँ तक आ रहा है इस तरीके से लास्ट अपन ने ये कुछ डेटा लिया है दोस्तों अगर मैं इसमें कुछ काउंट करना चाहता हूँ जैसे एट मेरा कितनी बार आ रहा है अगर मैं ये देखना चाहता हूँ आप देखें एक दो और तीन बार आ रहा है अगर आप ये चेकआउट करना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप जाके लिख देंगे एल डॉट काउंट ठीक है और इसमें आप बता सकते हैं आपको क्या ढूंढना है मुझे एट ढूंढना है कितनी बार आ रहा है ये अगर आप सीधे डिस्प्ले करना चाहें तो भी चल जाएगा और किसी वेरिएबल में लेना चाहें वो भी ले सकते हैं तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एल डॉट काउंट ऑफ एट आप देखेंगे ये टोटल कितनी बार आ रहा है आपके पास दोस्तों तीन बार आ रहा है एक मेरे को क्या दिखा रहा है तीन ठीक है तो एक ये रहा दूसरा ये रहा और तीसरा ये वाला ठीक है ऐसे आप कोई भी एलिमेंट चेक करना चाह रहे हैं जैसे कि मैं देखना चाहता नाइनटी सिक्स कितनी बार आ रहा है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 96, कितनी बार आ रहा है एक बार आ रहा है तो आपके सामने एक डिस्प्ले कर देगा तो आपके पास है कि आपको काउंट करना है तो आप कैसे करेंगे यूजिंग काउंट मेथड ठीक है इसको आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हम लोग जो बात करें वो अपने पास है अभी रिवर्स फंक्शन रिवर्स फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों जिसे सॉर्टिंग अपने पास होती है ठीक है तो सॉर्टिंग में क्या होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग हो जाएगी मतलब या तो आप असेंडिंग में लेंगे या फिर आप डिसेंडिंग में लेंगे लेकिन रिवर्स क्या करेगा दोस्तों जो भी आपके पास लिस्ट है जैसे आप आगे से पीछे जा रहे थे अगर आप इसको वापस सेव करके इसको रन करें तो आप यहाँ पर क्या देख रहे थे 8, 7, 8, 96. मैं इसको उल्टा प्रिंट कर रहा हूं ऐसे, 8, 7, 5, 2, 41, 58. ऐसे अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम क्या है रिवर्स ठीक है तो आप लिख देंगे रिवर्स और ये आपका जो है एल को रिवर्स कर देगा एल की जो भी वैल्यू उसको रिवर्स कर देगा और आप अगर प्रिंट में जाकर के लिखते हैं एल तो आप देखेंगे आपके पास जो एलिमेंट्स है वो इस बार रिवर्स हो चुके हैं मतलब एट सेवन फाइव टू आप उल्टा देखेंटी सिक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट लास्ट बन गया और लास्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट बन गया कौन करता है ये सारा काम रिवर्स करता है इसी टाइप से रिवर्स के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अपने पास है सॉर्ट सॉर्ट में हम लोग यहाँ क्या देखेंगे मैं लिख देता हूँ एल डॉट सॉट ठीक है और ये जो एल है अब आपके पास ये हो गया है सॉर्टेड और अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हैं ठीक है तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ एल ये क्या कर देगा दोस्तों आपकी जो भी वैल्यू उसको सॉर्टिंग कर देगा तो आप देखेंगे आपके पास एलिमेंट्स तो था ये वाला इस एलिमेंट्स को क्या कर रहा है ये सॉर्ट कर रहा है जैसे सबसे छोटा नंबर टू है देन फाइव है देन सेवन है फिर सेवन है फिर एट एट एट, 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 एट फोर्टी वन फिफ्टी एट, एट, एट नाइनटी सिक्स कुछ इस टाइप से आपके पास ये अरेंज कर देगा ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास असेंडिंग ही होता है इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर इसको डिसेंडिंग भी करना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जाके लिख सकते हैं रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स अगर आप इसको रिवर्स करके देखेंगे तो ये आपके पास क्या है आपने लिखा है रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स मतलब ये आपके पास बाय डिफॉल्ट असेंडिंग दिखाएगा लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे जाके लिख देते हैं ट्रू ठीक है true, तो अगर आप इसको सेव करके आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर ये इसको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा यानी कि ये डिसेंडिंग हो गया है तो डिसेंडिंग करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू और बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर क्या मानता है यहाँ पर रिवर्स क्या आपके पास फॉल्स है ठीक तो है तो अपन यहां मानते हैं ये है डिफॉल्ट है आपके पास अगर आप रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू करेंगे तो ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा इसी टाइप से जैसे आप यहाँ पर रिवर्स देख रहे थे इसको रिवर्स अपन ने कराया है सॉर्ट को देखा है अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉर्टेड करना मतलब आपको अगर मैं अभी यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ तो एल आ रहा है दोस्तों मैं अगर इसको हटा देता हूँ ठीक है और फिर अगर आप इसको देखें तो आपके पास में सेम वैल्यू आ रही है, मतलब ये एल सॉर्ट नहीं हुआ है आप चाहते हैं कि हमारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपका सॉर्ट हो जाए जैसे मैं एल थ्री नाम की वेरिएबल बना देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ सॉर्टेड ठीक है और सॉर्ट किसको करना है आपको सपोज एल को करना है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ठीक है मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ जाकर के प्रिंट कर देता हूँ पहले कर देता हूँ एल वन को अपने पास खाली एल है और फिर मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ एल थ्री को ठीक है तो आप एक बार देखें इसको यहाँ आप देखेंगे ये है आपका एल जो कि एक्चुअल में शॉर्ट नहीं हुआ है लेकिन ये वाली जो नेक्स्ट वाली वैल्यू देख रहे हैं ये आपके पास है सॉर्टेड के थ्रू एल थ्री को आपने डिस्प्ले करा है इसका मतलब यह है कि सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है इस लिस्ट को सॉर्ट नहीं करेगा लेकिन इसका जो रिजल्ट आया है उसको सॉर्ट करके वो एल थ्री में डाल देगा मतलब कि इसकी कॉपी बनाएगा और कॉपी को सॉर्ट करके एल थ्री में डाल देगा आपका एल सॉर्ट नहीं होगा और अगर दोस्तों आप यहाँ पर क्या लिखते हैं केवल सॉर्ट लिखते हैं तो फिर ये क्या कर देगा उसको खुद को उस लिस्ट को भी सॉर्ट कर देगा और यहाँ आपको वैसे लिखना पड़ेगा ठीक है एल डॉट शॉर्ट खैर तो ये आपको समझ में आ गया होगा सॉर्टिंग किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी है जैसे मिन मैक्स सम ऐसे भी हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं सपोज़ दोस्तों मैं प्रिंट में जाके देखना चाहता हूँ मिनिमम नंबर मेरा कौन सा है तो मैं मिन में जाके लिख दूंगा एल आप सेव करें रन करके देखें सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा आ रहा है आपके पास टू मिनिमम नंबर ये है अगर आप यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर देखना चाहते हैं तो मैक्स लिख दीजिए आप देखेंगे आपके पास आ गया है नाइनटी सिक्स और अगर आप दोस्तों यहाँ पर करना चाहते हैं सम आप सेव करें रन करें इन सभी नंबर्स का सम जो है आपके पास वो है दो तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा आप मिन कर सकते हैं मैक्स कर सकते हैं और सम भी आप ले सकते हैं दोस्तों मिन मैक्स और सम कब काम करेंगे जब आपके पास लिस्ट का एलिमेंट किस टाइप का होगा ठीक है जैसे मैं यहाँ पर अगर सपोज मैं किसी का नाम लिख देता हूँ और इसी तरीके से मैं कुछ और नाम भी लिख देता हूँ ठीक है जैसे विनोद ठीक है ऐसे कुछ नाम लिख देता हूँ और फिर इसमें आपने स्ट्रिंग भी लिख रखी है इसमें आप एलिमेंट एड न्यूमेरिक भी कर रहे हैं अगर आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है आप देखें सम फंक्शन काम नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं ठीक है थीके? वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपने स्टोर क्या कर दिया है ठीक है एक स्ट्रिंग और अगर आप यहाँ पर सपोज नाइन और एट ही रखते और आप इसको अब चला रहे हैं तो अभी आपके सामने कोई इशू नहीं आ रहा है ऐसे ही मिन में भी है ऐसे ही मैक्स में भी एक एक एलिमेंट पे जाएगा और वो सारे एलिमेंट आपके पास न्यूमेरिक होने चाहिए